आपका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणादायक है। आपने जो छवि बनाई है हमारे लिए वो पदचिन्ह है। आपकी याद हमेशा हमारे हृदय में रहेगी। Yes. क्या ऑर्डर है? मीडियम रेयर, बट दैट लुक्स लाइक अ रेयर, मेक इट अगेन। ओके शेफ। हाय गॉर्जियस। हाय डीके, बिजी डे, कांट टॉक। ओह, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो बिजी रहना ही चाहिए, लेकिन फैंस को तो थोड़ा टाइम देना ही चाहिए ना। लेकिन अभी नहीं। चेयरमैन होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज बस 5 मिनट। ये हुई ना बात, आ जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेश। या हमारी शेफ अन्विता। ओह हेलो। ये खाना खाकर सच में मजा आ गया, टेस्ट बहुत कमाल है। कैरी ऑन, प्लीज एंजॉय योर मील। ये लीजिए आपकी शेफ आ गई। ये खाना लाजवाब है। क्या मैं सेल्फी ले सकती हूँ? जरूर आइए। थैंक यू, एंजॉय कीजिए प्लीज। जाइए। हाँ, मिस्टर रघु राइडो, हमारे ग्रेट आर्किटेक्ट। हाय। वो बिल्डिंग है ना, टावर ऑफ लाइट, इन्होंने ही डिजाइन की है, ये सब जानते हैं। हमारी स्टार शेफ। ऑफ कोर्स अन्विता, आपसे बात करने के लिए मैंने 2 हफ्ते पहले ये टेबल रिजर्व किया था। दैट्स स्वीट। क्या मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? एक्चुअली आज मैं अन्विता, प्लीज प्लीज, मैं आपकी इन रेसिपीज का फैन हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यूज और ब्लॉग्स को देखकर मैं आपका भी फैन हो गया हूँ। स्पेशली वो जो स्टार शेफ बनने के बाद का इंटरव्यू, तो आपकी जर्नी और पैशन, जो भी आपने किया है, वाओ, अमेजिंग है। असल में हर रेसिपी को एक नया रूप देने की जो आपकी सोच है और उसके पीछे का रिसर्च, और अपनी मॉम के लिए जो आपने पहला पिज्जा बनाया। पिज्जा मेरी मॉम के लिए? ऐसा तो मैंने किसी इंटरव्यू या ब्लॉग में नहीं कहा है। आपको मेरी माँ ने भेजा है ना? हाँ, उनको लगा कि इस बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे, इसलिए। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी शादी करवाने के लिए मेरी माँ ऐसा करती रहती हैं। शादी और रिलेशनशिप्स, नो, नॉट फॉर मी, और मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। इसका बिल मैं दूंगी। गवर्नमेंट की तलोकी पनी चेसेदी मीरैते ఒక
गवर्नमेंट ने नेलतीजी पनी चेंचे दी मैं तो हीरो यहाँ पर कहता है तुम सरकार के लिए काम करते हो पर अब सरकार हमारे लिए काम करेगी ओह माय गॉड क्या बात कही है यस बड़ी बात कही है डोंट ट्रबल द ट्रबल इफ यू ट्रबल द ट्रबल ट्रबल ट्रबल्स यू आई एम नॉट द ट्रबल आई एम द ट्रूथ ये क्या आप ये समझी नहीं कुछ भी नहीं ये तो इंग्लिश में था मुझे भी समझ नहीं आया अब इंग्लिश भी मैं ही सिखाऊं क्या हाय 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 इट वाज फन थैंक यू ओके जय बलिया जय बलिया जय बलिया तुम्हारी मॉम के साथ मूवी देखकर मजा आया बाय 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 तुम्हारा दिन कैसा रहा मुझे भूख लगी है माँ कुछ खाने को दीजिए आज रेस्टोरेंट में कुछ खास हुआ क्या कुछ नहीं क्या वहाँ कोई नया लड़का मिला था अब रेस्टोरेंट में भी भेजने लगी है ना ऐसा मत कीजिए दैट्स माय वर्क प्लेस ये क्या बात हुई इतनी बड़ी हो गई हो कब शादी करोगी बताओ कभी नहीं करूंगी मैं फिर वही जवाब दिया क्या कोई मैरिड कपल कभी भी खुश नहीं रह सकता लेकिन मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ माँ माँ बैठिए माँ मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ आप इमोशनल होकर सोच रही हैं आप सारी बातों को छोड़िए अपने आसपास की दुनिया को देखिए लोग साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के कंट्रोल को ऐसे में इन शादी और रिलेशनशिप के चक्कर में किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगी अच्छा तो क्या सभी शादीशुदा लोग अलग हो जाते हैं आप दोनों तो हो गए थे ना तो क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले गुजार दोगी आप अकेले रह रही हैं मैं भी अकेले रह लूंगी और वो भी बिना किसी अफसोस के तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है लेकिन तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है पहले कहते थे कुछ साल हैं, अब तो फाइनल स्टेज है अब मेरे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, और कितना मनाऊं तुम्हें हाँ हे हम सबकी एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है किसी को अपने टाइम का नहीं पता तुम टाइम वेस्ट मत करो और मान जाओ जैसे बालिया ने कहा था इफ यू ट्रबल द ट्रबल ट्रबल ट्रबल्स यू एक काम करो बेटा बचे हुए इस बाकी के वक्त में मुझे अपने देश ले चलो होकर इसी कोने में बैठती थी हाँ मुझे याद है आंटी वो काफी छोटी थी आंटी अरे माँ ये भारी है लाइए इधर रख दीजिए इसमें आप छोड़िए इसे अरे सुन इसमें आप चलिए मेरे साथ अरे करने दो अरे क्या है दिमाग खराब है ये मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं है समझे इसे शादी नहीं करनी ये कभी भी शादी नहीं करेगी अगर मेरी बेटी से शादी के चक्कर में रहेगा तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा जा कहीं और जाकर ट्राई कर चल जा माँ इन दवाइयों को टाइम पे लीजिएगा टाइम पे ही लेनी है टेंशन मत लीजिएगा अब मैं निकलती हूँ आई विल सी यू लेटर तुम भी अपना ध्यान रखो विश मी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट बाय जो भी बनाई दुनिया लोगों की खास है ना है किसी से
जायका कस्टमर्स को याद रहे। ये हाथों का जादू नहीं है, ये साइंस है। और हमारा ये किचन हमारी लैब है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली हर चीज, उसका टेक्सचर, फ्लेवर, उसका टेम्परमेंट, एम्बियंस और प्रेजेंटेशन, ये सब हमारी रेसिपी का हिस्सा है। हर इंग्रेडिएंट की टेस्टिंग और मेजरमेंट सही मात्रा में होनी चाहिए। नगमा नूडल्स तैयार। माँ भूख लगी है, मुझे भी दीजिए। एक शेफ आकर कह रही है और खाने को दो ना। आपको देखकर ही इसे भूख लगती है आंटी। बाबू इज बेस्ट। हेलो मैम, आपके लिए काव्या का कॉल है। मैं अभी बिजी हूँ, उसको कॉल बैक कर लूंगी। शायद कुछ अर्जेंट है मैम। परेशान मत हो, ये तो होना ही था। तुमने गलत कहा था कि मैं अकेले रही हूं। मेरे पास तो तुम हो, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा हाथ थामने के लिए कौन होगा। जब तुम्हें कोई मिले जिस पर भरोसा कर सको, तो उसे जाने मत देना। माँ, अभी जिंदा हूं, सोने दे। Both are not same. मुझे तुम्हारी माँ के लिए अफसोस है अर्पिता। उन्हें मिस कर रही हूँ डीके। उनके पास वक्त कम था, लेकिन इतना कम था ये नहीं जानती थी। लगता है जैसे वो अभी भी मेरे आसपास ही है। मुझे वापस आने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए डीके। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम कुछ वक्त और ले लो। थैंक यू डीके, थैंक्स फॉर द कॉल। अपना ध्यान रखो। जल्दी घर आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बोर हो रही हूँ। अन्वी, आते वक्त आइसक्रीम ले आओगी ना? उदास मत हो अनवी,
के बिना जिंदगी अब बहुत सूनी हो गई है। मुझे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स किलिंग मी एवरी डे। माँ को भी आखिरी वक्त तक इसी बात की फिक्र थी, अगर अपना परिवार नहीं बनाओगी तो सारी जिंदगी अकेली रह जाओगी अन्वी। ये तो होना ही था, तुमने गलत कहा था कि मैं अकेले रही हूं, मेरे पास तो तुम हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा हाथ थामने के लिए कौन होगा। बोलो, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट बात है? मैं माँ बनना चाहती हूँ काव्या। मतलब तुम्हें वेट अ मिनट, तुम्हें शादी करनी है? वाओ, आखिर तुम शादी के लिए मान ही गए। शादी नहीं, माँ बनने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ता है, तो शादी क्यों? सॉरी। काम करें, उस कॉर्नर टेबल पर चलते हैं, चुपचाप बात करते हैं। अब बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? काव्या सुनो, मुझे एक फैमिली चाहिए। ओके। लेकिन उस फैमिली में हस्बैंड की क्या जरूरत है? सिर्फ बेबी हो सकता है ना। क्या मतलब? तुम्हें हस्बैंड नहीं, सिर्फ एक बच्चा ही चाहिए? काव्या मुझे सिर्फ एक ही रिश्ते पर विश्वास है, मेरे और मेरी माँ के रिश्ते पर। और मुझे ऐसा ही एक रिश्ता बनाना है काव्या, जैसे मैं माँ के लिए थी, केरू तुम्हारे लिए है, वैसे ही ये बेबी होगा। लाइफ विल बी सॉर्टेड। सॉर्टेड माय फुट, माँ कैसे बनोगी शादी के बिना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली कैसे बिन ब्याही माँ बनोगी? समाज एक्सेप्ट करेगा? काव्या टू वर्ड्स, माय लाइफ। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम्हें शादी नहीं करनी ठीक है, लेकिन दूसरा रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी? एक तरीका है। कौन सा? मिस अन्विता स्टेटस सिंगल, बिना शादी किए प्रेग्नेंट होना चाहती है। ये लीगल तो है? लीगल है, जानती हूँ। इस सिचुएशन में IVF की जरूरत नहीं है। डॉक्टर IUI है ना? काफी रिसर्च की है आपने। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। हमें एक डोनर सिलेक्ट करना होगा और फिर हमें उसका हेल्दी स्पर्म लेकर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करना होगा। ओव्यूलेशन के टाइम पर इंजेक्ट करना है ना? गूगल। ये तो कम से कम डॉक्टर के सुपरविजन में कर लेना, इसके लिए गूगल। sure, डॉक्टर। थैंक्स मैम। तो फिर अब से 6 हफ्ते बाद गुड न्यूज। मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, इसमें भरिए कि बेबी का कलर कैसा चाहिए, वेट कितना चाहिए। डॉक्टर कलर की बात नहीं, लेकिन मैडम मैडम मैडम
इसमें डिटेल्स भर दीजिए, आपको जो चाहिए बस उस ऑप्शन पर टिक कर देना। ये लीजिए। थैंक यू, वील कम बैक। थैंक यू मैडम। ये मैगजीन से क्या होगा मैडम, अपडेट होना चाहिए। टीवी लगाइए ना मैडम, मैगजीन से मूड ही नहीं बनता। तो अब 3D टीवी लगवाओ क्या? मजा आ जाएगा। वो कौन? स्पर्म डोनर मैम। अनवी उधर देख जरा, इन्हीं में से एक होगा तुम्हारी बेबी का बायोलॉजिकल बाप। डॉक्टर। यस मैम। क्या डोनर की पर्सनल डिटेल्स जान सकते हैं? नो मैडम, ये लीगल नहीं है। कानून के तहत दोनों की डिटेल्स एक दूसरे को नहीं दी जा सकती, और इसी में आपका भला है, नहीं तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अरे आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। ये देखिए, गुड इज नॉट गुड इनफ, ये मेरी पॉलिसी है। सारे मेडिकल टेस्ट मैं खुद करूंगा और आपकी जरूरत के हिसाब से ही डोनर सिलेक्ट करूंगा। मेडिकल टेस्ट तो ठीक है, लेकिन डोनर का कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फैमिली हेरिडिटी? टेस्ट के द्वारा हम डोनर की स्पर्म क्वालिटी तो चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पर्म के द्वारा डोनर की क्वालिटी चेक करना मुमकिन नहीं है। और फिर डोनर के साथ कहां आपको शादी करनी है? लेकिन मेरे लिए जरूरी है। मैडम, अब यही इसका प्रोसीजर होता है। बट आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, मेरे लिए डोनर की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवी, काव्या, मैं रेसिपी बनाते वक्त उसके अंदर हर एक इंग्रेडिएंट का ध्यान रखती हूँ। हाँ, और ये तो फिर मेरे बेबी का सवाल है। पर क्या कर सकते हैं डॉक्टर? हाँ? क्या मैं अपना डोनर खुद ला सकती हूँ? हाँ, आप अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो मेरा काम। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ओ. मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं अपना डोनर सिलेक्ट करके यहाँ ला सकती हूँ? हाँ, वो इलीगल नहीं है, आप ऐसा कर सकती हैं आप। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। गुड इज नॉट गुड इनफ, डोनर ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी पसंद भी तो खास है, ऐसे में एकदम सही आदमी से मिल पाना मुश्किल है। तुम क्यों हंस रहे हो? सॉरी मैडम, मैं आप पर नहीं हंस रहा था, एक्चुअली एक आदमी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है तो मैं उसके जोक्स पर हंस रहा था, सॉरी। ओके। शादी इंजीनियरिंग की तरह, कोई करना नहीं चाहता पर करनी पड़ती है। तुम सिंगल ही हो? आप न्यूली मैरिड हो ना? यस। हाँ, देखकर लगता है इतना चिपक कर बैठे, इनके बीच से एक सुई भी नहीं जा सकती है? और वो देखो 10 साल पुराने, उनके बीच में 10 और लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो बताओ आप लोग कहाँ मिले थे? ये मेरे ऑफिस में HR की पोस्ट पे है। ये तुम्हारे ऑफिस में HR है? हाँ। HR इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाती ये सुना था, लेकिन HR घर आ जाएगी ये पहली बार देखा। अच्छा, तो इन लोग का इंटरव्यू कैसा हुआ होगा? तो अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? आपकी गोद में मैडम। तो प्यार कैसे हुआ था ब्रो? लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट? हाँ ब्रो। तू ना पिक्चरें कम देख, ये सिनेमा ने ना पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। किसी भी पिक्चर में देख लो, हीरोइन फिर स्लो मोशन में चलते हुए अंधे आदमी का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाती है, ये देखकर हीरो फ्लैट। और वो अंधा भी शॉक में, क्या रे भाई तू मुझे रोड क्रॉस क्यों करवा रही है, इतनी मुश्किल से तो इस तरफ आया था और तू मुझे वापस वहीं खींच लाई, क्या यार। घर से निकला था कुक्कट पल्ली के लिए, पहुंच गया उपल। लव एट फर्स्ट साइड बोलता है। हर जनरेशन का प्यार ना अलग होता है ब्रो। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में वो शादी के पहले मिले भी नहीं थे, बस फोटो देखकर प्यार हो गया। कई बार तो पहली मुलाकात सीधा सुहागरात पे होती थी, पता है? तब लव एट फर्स्ट साइड नहीं होता था, मेक लव एट फर्स्ट साइड होता था। हमारी जनरेशन तो लव एट फर्स्ट साइड से भी आगे है, बहुत ही सिंपल है, लव ऑन एवरी वेबसाइट। बस लगे रहो, टिंडर, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट,
सर की तरह डेस्परेट हो तो लिंक्डइन। हमारी जनरेशन को नहीं पता कि प्यार क्या होता है। जब एक लड़का और लड़की सब कर चुके होते हैं और फिर भी अगर कोई फीलिंग्स रह जाए ना, शायद वही प्यार होता है ब्रो। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज सिद्धू, सिद्धू पोलिशेट्टी। हंसी मजाक में सच बोल जाता है। प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट, ग्रेट कॉम्बिनेशन। हाँ, ज्यादातर मजाकिया लोगों के दिमाग तेज होते हैं। ट्रू, ये अच्छा डोनर हो सकता है ना? मैं जाकर पूछती। यो, पूछोगी क्या उसे? एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम स्मार्ट हो, मुझे थोड़ा स्पर्म दे दो ना, भाग जाएगा वो। सुपर्ब था। अरे बॉस। हाय। ओह, गुड जॉब सिद्धू। थैंक यू सर। इस बार इसे जाने दो, ओके? इसे परखने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ना, जल्दबाजी मत कर यार। टेक इट स्लो। फर्स्ट टाइम हुआ है कि बॉस हंसे हैं। वो हंसे तो समझो शो हिट है। अगली बार पेमेंट मांग लेना। हाँ। फिलहाल फ्री कूपन से काम चलाओ। मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, बार उधर है। ओके ओके। हाय सिद्धू। ओह हाय। मैं अनविता। तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। ओह थैंक यू वेरी मच। डू यू वांट सम बियर? नो थैंक्स। तुम हाँ कहती तब भी मैं तुम्हें नहीं पिलाता। मुझे भी परफॉर्म करने के बदले ये फ्री बियर मिली है। क्यों? तुम्हें शो का पैसा नहीं मिला? तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में कुछ नहीं पता क्या? स्टैंड अप में तीन चीजें नहीं मिलती, मान, सम्मान और पैसा। तुम विश्वास नहीं करोगी, एक पेमेंट वाले शो में पैसों के बदले मिक्सर दे दिया। पता है मैंने क्या किया? उसमें पुदीने की चटनी बना दी। ए भाई सर, नींबू देना भाई। ओके सर। इसके लिए भी कूपन चाहिए क्या? मेरे पास बहुत है। मुद्दे की बात तो कर, चल कर। नींबू सिद्धू। हाँ। ओह ऑटोग्राफ चाहिए? श्योर श्योर। ए भाई पेन देना। कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉयड द शो। तुम गलत समझ रहे हो। आई एम अनविता, मास्टर शेफ अविन्या ग्रुप ऑफ होटल्स। हम होटल में कॉर्पोरेट शोज ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं ये सोच रही थी अगले शो में तुम भी अपना टैलेंट शो करो। इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओह एक बार फिर दिखाओ। कॉर्पोरेट शो? हाँ। एक मिनट। हाय, I'm Siddhu Polishetty, fully corporate, fully professional comedian. हाँ, मैं क्रिप्टोकरेंसी जोक्स करता हूँ। भले ही मेरे पास करेंसी ना हो। मैं समझ गई, तो फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हाँ, sure, sure. हम मिलते हैं, EOD. Corporate, end of the day. फैन समझकर ऑटोग्राफ दे रहा था। हाय। हाँ, हाय। काव्या, मेरी फ्रेंड। हाँ। कॉर्पोरेट? ओह, कॉर्पोरेट। अच्छा। हाँ। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, sure. मिलते हैं। वो तुम्हारी फैन थी क्या? ये बियर। वो एक फाइव स्टार होटल में शेफ है। हाँ। उसने कॉर्पोरेट शो का चांस दिया मुझे। हाँ। तो उसे मेरा शो अच्छा लगा। नाइस मैन। चीयर्स। लूसी आवा। देखो मास्टर ने कड़ी पत्तों का गुच्छा दे दिया फ्री में। सुनी नहीं रही, फिर से पूजा। हाँ। आप तो इस मामले में कोई मदद करते नहीं। हाँ। मैंने हमारे बेटे की शादी के लिए मांग तम्मा के सामने 6 हफ्ते की मन्नत। हाँ, मांगी। हाँ। है, इसके बाद देखना उसकी शादी हो जाएगी, मुझे यकीन है। ऊपर वाले क्या खुद तुम्हें व्रत रखने को कहते हैं? मेरी माँ ने तो ऐसा कोई व्रत नहीं किया था, फिर भी मेरी शादी हुई ना और तुम मिल गई मुझे। अब आपके लिए भी व्रत रख लूं क्या? हाँ रखो ना, अगर अच्छी लड़की मिल गई तो मेरा एक और परिवार बन जाएगा। फिर मैं दोनों को मार दूंगी। साहब ज्यादा उठ गए या फिर सो रहे हैं? सुनिए, मैं पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। 11 बजने वाले हैं, उसे काम पर नहीं जाना है क्या? अरे अब ये क्या है? बाप के हाथों में रिमोट सेफ रहते हैं, बच्चे नहीं, क्योंकि किसी रिमोट को बस 2 ही बार पीटा जाता है। गुड जोक। इंडियन डैड्स का सबसे ज्यादा नापसंद फोन है वन प्लस, क्योंकि उसकी टैगलाइन है नेवर सेटल। ये क्या है? ये तुमने ही लिखा है ना? अरे नहीं नहीं, ये मेरी हैंडराइटिंग है। यहाँ पीछे देखिए ना, ये मेरे ऑफिस का है, कुछ कोड्स लिखा है। कोड्स कहाँ लिखे हैं? जरा दिखाओ तो मुझे। ब्रेल कोड्स है, पढ़ नहीं पाओगे। पढ़ नहीं पाऊंगा? हाँ। अच्छा, इस फोटो में ये अंकल कौन है? जेरी साइनफील्ड,
स्टैंड अप कॉमेडियन जेरी। हाँ टॉम एंड जेरी वाला चूहा जेरी, वो चूहे बिल्ली वाला जेरी। अच्छा जेरी, जेरी जेरी अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन है। जैसे ब्रह्मानंदम है। हाँ कुछ वैसा ही, लेकिन वो पिक्चरों में करते हैं। स्टैंड अप मतलब वो जो स्टेज पर करते हैं ना वो। हाँ जैसे वो बुरा कथा वाले गांव में करते हैं। बुरा कथा नहीं डैड, स्टैंड अप। इसमें इसमें बहुत दिमाग लगता है डैड। अच्छा हाँ। इनको इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे यही इनका काम है। हाँ? मैं भी। क्या तू? मैं जरा दिमाग से काम ले, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग तुझे जल्दी ही निकाल देंगे। जॉब की कोई टेंशन नहीं है डैडी, एक गए तो दूसरी मिल जाएगी। ऐसा है क्या? शाबाश, गुड। वाह क्या बात है बेटे, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। पर अपनी माँ को मत बताना। क्यों? तेरे दादाजी मेरे लिए लाखों रुपए छोड़कर गए थे। क्या? ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताई। अपनी ही सैलरी से तुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। शर्ली? रियली? ओह माय गॉड डैड, जस्ट डोंट बी सिली। रियली के बच्चे? अरे अपना दिमाग लगा और जॉब पर ध्यान दे वरना सड़क पे आ जाएगा। चल तैयार हो जा। अच्छा वो जोक दिमाग है नहीं चला है, जोक समझ ले। नमस्ते सर। नमस्ते श्रीनु, एक किंग्स देना। आपकी अम्मा कैसी हैं सर? वो ठीक है, इस किंग के लिए क्वीन ढूंढ रही है। अब पहले की तरह इंक्वायरी नहीं आ रही सर। अरे भाई कहीं तू मेरे मॉम डैड के साथ मिल तो नहीं गया? आपके भले की ही तो बात करते हैं सर। ज्यादा बोल मत, चल चल फटाफट एक पान लगा, मैं ऑफिस में मुंह दिखा कर आता हूँ। ओके सर। ये क्या सर, अभी लंच टाइम में 5 मिनट बचे हैं, आप तो जल्दी आ गए। मुझे तेरा थोबड़ा देखना था ना, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। चुपचाप अपना काम कर। ला 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 ला। लगता है लंच टाइम चालू हो गया। आधे से ज्यादा खा चुके हूँ, मैं क्या खाऊंगा? अरे अरविंदु, तुम्हारे नाम का मतलब ही हाफ मील है। अरविंदु। हेलो एचआर, मैं लंच टाइम में भी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ, अब तो सैलरी बढ़ा दो। ऊंचाई 4th फ्लोर तक? उसके ऊपर छाता जाती है ना। सुन भाई, इस तरह के जोक्स ना अगर स्टैंड अप कॉमेडी में करते तो और भी शो मिल जाते। अरे चिंता मत कर, मुझे कॉर्पोरेट शो में। अरे सुन, अगर बॉस पूछे ना तो कुछ बहाना बना देना, ठीक है? और ये खाना मत, समझा? मैं आता हूँ। सिद्धू। हेलो, अनविता के साथ 1 बजे मेरी मीटिंग है। आप लेट हैं। नहीं नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। मैम कभी लेट नहीं होती और ना ही लेट आने वाले उन्हें पसंद है। हाँ मैं एकदम पंक्चुअल। अच्छा? पंक्चर? टायर पंक्चर हो गया था ना इसलिए लेट हो गया। ऐसा क्या, ये सब मैं तो सुन लूंगी, पर मैम को बोलोगे ना तो वो तुम्हारा टायर टिक्का बना देंगी। शेफ एंड ग्रिल एंड ऑल, वेरी फनी। सिद्धू उन्हें बोलो मैं आ गया हूँ। अरे कॉल करो। मैम? यस। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर कोई सिद्धू आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप बहुत लेट हैं, पर फिर दैट्स ओके, उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ। ओके मैम। या मैं आती हूँ। हाय सिद्धू। ओह हाय। तुम्हारी टाइमिंग हमेशा ऑफ रहती है। कॉमेडी टाइमिंग फिर भी परफेक्ट रहती है मैम। सो ये शो किसके लिए, मतलब कितने लोग होंगे, कब कहाँ कैसे? डिटेल्स जानने से पहले तुम्हें कुछ जवाब देने होंगे। ओह आई एम श्योर ये कंपनी पॉलिसी होगी, पूछिए प्लीज। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा। हाँ। इंजीनियरिंग की थी और स्टैंड अप कॉमेडी में आ गए। यही तो प्रोसेस है ना, मतलब तुम शेफ बनना चाहती थी लेकिन इंजीनियरिंग तो करनी पड़ी ना। नहीं, शेफ बनना चाहती थी, शेफ ही हूँ। क्या? अगर हर कोई अपना पैशन फॉलो करने लगा तो हमारे ट्रेडिशन का क्या होगा? जो हमें पसंद है वो थोड़ी करने दिया जाता है, पेरेंट्स के लिए इंजीनियरिंग तो करनी पड़ती है। फिर ऐसी जॉब जिसका डिग्री से कोई लेना देना ही नहीं है, और फिर जॉब में फ्रस्ट्रेट होते रहो, हमारी फ्रस्ट्रेशन से पेरेंट्स को बहुत मजा आता है, यही तो है हमारा ट्रेडिशन। तुम वेस्टर्न कल्चर वाले क्या समझोगे? तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? जहाँ मौका मिले कॉमेडी करता रहता हूँ। तुम्हारी वीकनेस? कई बार सिचुएशन से अलग कॉमेडी कर देता हूँ।
चलो मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज हो जिससे तुम किसी की लाइफ पूरी तरह बदल सकते हो, तो हेल्प करोगे? ये फ्री शो है क्या? पेमेंट नहीं मिलेगी? अच्छा मतलब मिक्सी विक्सी इस्तरी विस्तरी कुछ मिलेगा? हाँ कोई बात नहीं, मैं तो बहुत चैरिटी करता रहता हूँ। पेमेंट मिलेगी। अच्छा नाइस। चलो मानो राजू के 7 बच्चे हैं, एक रेलवे ट्रैक पर उसकी दादी है और दूसरे ट्रैक पर 7 बच्चे। हाँ। ट्रेन बहुत फास्ट आ रही है, है? राजू को दोनों में से चुनना है। तुम राजू की जगह होते तो क्या करते? ये कॉमेडी ट्रैक का रेलवे ट्रैक से क्या लिंक है मैडम? क्योंकि मार्केटिंग टीम ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे इसलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसने प्रिपेयर किया ना उसको ट्रैक पर डालना चाहिए सच में। फालतू सवाल, राजू के 7 बच्चे, ट्रेन नहीं राजू को रोकने की जरूरत है। ओके, बेसिक इंटरव्यू तो खत्म हो। ओके, अब तुम जा सकते हो। हाँ श्योर, मैं तुम्हें कॉल करूंगी अब। ओके या कुछ एडवांस मिल जाता तो। नहीं नहीं बस ऐसी मान सम्मान और पैसा कभी नहीं मिलता। समझ गया। स्टैंडअप शो का इंटरव्यू समझकर उसने हर जवाब कॉमेडी में दिया, लेकिन ये जानना होगा वो रियल लाइफ में कैसा है। चलो तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्या मत भूलो कि मैं 5 साल तक अपने सस्पिशियस पति के साथ रह चुकी हूँ, एक आदमी को परखने के सारे गुण जान चुकी हूँ। जस्ट फॉलो मी। कहाँ जाना है? चलो बताती हूँ। सिद्धू पोली शेट्टी, जेंडर मेल, एज 25, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, BHEL में रहता है, अनमैरिड है, फेसबुक स्टेटस है सिंगल, किसी स्टार्टअप कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर टाइप जॉब करता है, नो क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई FIR नहीं है यार, मैं ऑनलाइन चेक कर चुकी हूँ। बैलेंस की बात करें तो काव्या, ये सब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? उसके ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। क्या ऑफिस? काव्या बिल्कुल नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम नहीं जानती हो, अगर किसी आदमी के बारे में जानना है तो ऑफिस से ही पता चलता है। काव्या, ऑफिस तो उस तरफ है ना? ईस्ट फेसिंग ऑफिस हो तो पान की दुकान नॉर्थ फेसिंग होती है। तो फिर सही इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत वहीं से होती है। बताइए मैडम, कौन से सिगरेट लेंगी? इन्हें जानते हो? ये तो सिद्धू सर हैं। कितना उधार है इसका? सर मेरे काम के आदमी नहीं है, वो सिगरेट ही नहीं पीते, उधार कैसे होगा? तो फिर गुटका, जर्दा, खैनी? वो बस कभी कभी मीठा पान खाने आते हैं, उसमें भी मीठा नहीं डलवाते, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। ठीक है, थैंक यू, अब चलो। हेलो, सिद्धू सर के लिए रिश्ते वाले आए हैं लड़की वालों की तरफ से। हाँ, यहाँ इंक्वायरी करने के लिए आए थे। सिद्धू सर इस चेयर पे बैठते हैं, मैं इस चेयर पर बस 2 मिनट के लिए बैठी थी और बैठते ही मेरा प्रमोशन हो गया। सिद्धू की हेल्पिंग नेचर कमाल की है, उनको जैसे ही बोनस मिला तो वॉचमैन को वॉच गिफ्ट करके खुश कर दिया उसको। घड़ी मिलते ही मेरा वक्त बदल गया, घड़ी मिलने के बाद मुझे सर कभी भी 10 बजे के बाद आते नहीं दिखे, कमाल है ना मैडम। सिद्धू तो शेयरिंग इज केयरिंग में विश्वास करता है, अरे वो तो आखिरी पैक भी शेयर करता है। मेरा मतलब एग टिफिन बॉक्स में एग भी शेयर करता है। कोई गर्लफ्रेंड या लव स्टोरी? मैंने सिद्धू को कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा, सिर्फ एक को छोड़ के। आईफोन वाली सीरी से बात करता है। अच्छा, सिद्धू की लाइफ में बस ईमेल्स ही हैं, फीमेल्स नहीं, बेचारा। राजेश अच्छा इंसान है, उससे जिसकी शादी होगी वो बहुत लकी होगी, राजेश को सब पसंद करते हैं। राजेश कौन? आप लोग राजेश के लिए आए हो ना? हम सिद्धू की बात कर रहे हैं। सिद्धू अच्छा इंसान है, उससे जिसकी शादी होगी वो बहुत लकी होगी, सिद्धू को सब पसंद करते हैं। ए श्रीनु, फड़ाफड़ किंग्सला। इस सिचुएशन में धूम्रपान करना ठीक नहीं है। दिमाग खराब है क्या? लड़की वालों की तरफ से इंक्वायरी चल रही है, शराफत से रहो तो ठीक रहेगा। कौन आया? नजर घुमाओ, नजर आ जाएंगे। तूने खाता नहीं दिखाया ना? मैंने तो कहा कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं। उसके बारे में तो सब अच्छे बोल रहे हैं। हेलो मैम, हेलो हेलो, मैंने देख लिया आप दोनों को।
हाँ तो हम क्या डरते हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सिगरेट पीता हूँ या नहीं, इससे क्या मतलब है आपको? बैकग्राउंड चेक के लिए। बैकग्राउंड चेक? वो किस लिए? मुझे होटल में स्टैंड अप कॉमेडी शो ही तो करना है ना, तो फिर एक शो के लिए इतना सब क्यों? बड़े रेप्यूटेड लोग आते हैं कॉर्पोरेट शोज में, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्टेज पर कॉमेडी करने के बाद नीचे आकर तुम किसी को मारना, तो इसकी क्या गारंटी? एक्सक्यूज मी, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैडम, कोई क्रिमिनल नहीं। और सुनिए मैडम, अगर आपको मेरे शो का कंटेंट जाना तो ओपन माइक सेशंस में आइए, मेरे ऑफिस में नहीं। ओपन माइक क्या? वो जहां मैं अपने जोक्स टेस्ट करता हूं। सुनो सुनो, शाम 5 बजे हम ओपन माइक सेशन में आएंगे, वहीं मिलते हैं। चलो काव्या। जैन सर, शादी पक्की ना? मैंने आपकी तारीफ के पुल बांध दिए, आपकी इमेज बढ़ा दी थी सर। सर 500 तो बनते हैं ना? किस बात के 500? तूने सच ही तो बोला था। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, तो अपनी हंसी को जरा होल्ड करके रखिए, क्योंकि इसको डबल करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं सिद्धू। बिग हैंड फॉर साई किरण। हाय। मेरे कुछ गेस्ट भी आए तो जरा जोर से हंसना, ठीक है ना? मुझे ना 5-स्टार होटल्स की फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। कभी गए हो क्या? हाँ। पीछे वालों से पूछ रहा हूँ। अच्छा। वहाँ कुक्स नहीं दिखते हैं, सिर्फ मास्टर शेफ्स मिलते हैं। एक बात तो समझ गया मैं, डिश का नाम बोलने में जितनी ज्यादा तकलीफ हो ना, समझ लो उतना ही बड़ा होटल है। सही कह रहा हूँ ना, सबसे पहले वेटर। सर, वुड यू लाइक टू हैव सम फेटा सोमा कारपाशियो ग्रिल्ड ऑबर्जिन एग प्लांट कार्डियोले? भाई 5 मिनट बाद आना, 5 मिनट तो इसे याद करने में ही लग जाएंगे। 5 मिनट बाद फिर आकर पूछेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? या मुझे चाहिए 3rd बेच का 4th आइटम। और इसका नाम भी बता देना। फाइनली 1 घंटे बाद वो प्लेट लेकर आएगा, जिस पर सांप के फन जैसा कुछ ढका होगा। तब आपको पता चलता है कि ये साला कुछ और नहीं, बैंगन है। खोड़ा बाहर निकला चूहा। मैंने गुस्से में आकर वेटर को बुलाया, इधर आ, इसका नाम बैंगन है ना? यस सर। तो फिर ओवरजीन फाइनली क्यों कह रहा था मैं? सीधे सीधे बैंगन नहीं बोल सकता सर, अगर हम डिश को बैंगन कहेंगे तो इसके 5,000 कैसे चार्ज करेंगे? सर यह है फाइन डाइनिंग, आप यहाँ डाइन के लिए आए हैं, इसका फाइन है सर। थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरा नाम है सिद्धू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग सिर्फ हंसा कर लोगों को मारते हैं। अरे कोई बात नहीं, एक बात पूछूं क्या? तुमने स्टैंड अप कॉमेडी करना कब से शुरू किया? मेरा मतलब तुम एकदम नेचुरल हो। थैंक यू। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या पसंद है तुम्हें? इस आदमी को देख रही हो? शायद ये ब्रेकअप से गुजर रहा हो, इसको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन जब स्टेज पर हम जोक सुनाने लगते हैं ना, तब उनकी सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाती है। और फिर लाइफ इतनी हार्ड भी नहीं है, हो जाएगा, ऐसा लगता है। ये कॉमेडी का पावर है। वाओ, बढ़िया है। मेरी क्लाइंट इंप्रेस हो जाए, मुझे और क्या चाहिए? इंप्रेशन तो ठीक है, शेफ्स पर जोक मारने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था, वो एक और होटल है। लेकिन कैसे बात करते ना, ग्रिल्ड ऑबर्जिन खाने में तो बैंगन ही है ना। सबसे पहले तो तुम एक बार ग्रिल्ड ऑबर्जिन खा के देखो। अरे ये ऑबर्जिन वर्जिन का छोड़ो, देखो यहाँ बाजू में ना एक वर्ल्ड फेमस बैंगन टिक्के वाला है, तुम ना पहले वो ट्राई करके देखो। चलो अभी चलते, चलो यहाँ फेमस मिर्ची भजिया सेंटर। हाँ, मैंने कहा था ना फेमस है। आओ। हे मलेश। नमस्ते सर। मैडम ना 5-स्टार होटल की शेफ है, समझा? तो वो रोज वाला इंजन ऑयल यूज मत करना, स्पेशल ऑयल यूज करना, समझा ना? हमारे सीक्रेट्स मत बताओ सर, इस बार पैराशूट ऑयल डालूंगा। हाँ डाले। क्या? अरे बस मजाक कर रहा था। तो ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसकी तो स्टेबल इनकम है। सर ये लीजिए। थैंक यू यार। यही है ना फेमस बैंगन टिक्का? ट्राई करो। कैसा लगा? ज्यादा स्पाइसी है क्या? ऐसे क्लाइमेट में स्पाइसी खाने में मजा आता है। खाओ खाओ।
अच्छा एक बात बताओ, तुम आखिर शेफ क्यों बनना चाहती थी? मेरी माँ, उनसे इंस्पायर होकर। माँ मेरे लिए तरह तरह की डिशेस बनाती थी और हर एक रेसिपीज के नए नाम रखती थी। चिरंजीवी चाय, बालाई बिरयानी, नगमा नूडल्स। सबसे बेस्ट थी वो, वेरी फनी। कहती थी फूड एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड आई लव्ड इट। मैं उनकी रेसिपीज को बार बार उनकी याद में बनाती हूँ, और जब भी मैं बनाती हूँ उसकी महक मुझे माँ की याद दिलाती है। ये है मेरी शेफ स्टोरी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर माँ का खाना यूनिक होता है। मेरी माँ की भी रेसिपीज कमाल की है। इनफैक्ट वो तो प्रसाद का भी बुफे लगा देती है। यू नो व्हाट, तुम्हें जरूर मेरे घर आना चाहिए। I'm sure तुम और मॉम कमाल की डिशेस बनाओगी। घर पास में ही है, डॉयंस कॉलोनी, पता है, गली नंबर 10 में रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम्हें जरूर आना चाहिए। ओके। हाँ। अनवी, तो फाइनली बात बन गई। हाँ? अभी नहीं, लेकिन वो फाइनल हो सकता है। और कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और अपने काम के लिए बहुत पैशनेट भी That's great. है। और मुझे लगता है ऑनेस्ट भी है। वो हर चीज को बहुत डिटेल में एनालाइज करता है। वाओ यार, ये तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टिक है। और उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है। वाओ, ये तो अच्छा चांस है। आज मैं पेट फटने तक बियर पीऊंगा। ओहो, क्या खास बात है? वो तो देवी है, कुछ तो खास बात है उसमें। अरे मेरे सिद्धू, तेरे शो की फ्री टिकट्स दिलवाना, सब ऐसे ही दोस्त है मेरे। किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा क्या? कॉर्पोरेट शो का चांस मिला है बेबे। सब कुछ तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटीज तो ठीक है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड, हिस्ट्री, हेल्थ चेक। मेरे पास एक आइडिया है। इतनी बड़ी मास्टर शेफ होके इतनी ग्राउंडेड है ना वो। यार दिल को छू गई मेरे। एनआरआई सबसे प्यार से ही बात करते हैं, ज्यादा खुश मत हो, वो तो अब तक तुझे भूल गई होगी। अच्छा एक मिनट रुकना, ओपनर तो दे। हाँ तो क्या बोल रहा था, भूल गई। ये देख, कॉल भी आ गया उसका। हेलो। हाय सिद्धू, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो ना। स्पीकर ऑन कर, स्पीकर। सिद्धू, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? प्लीज पूछो ना। क्या तुम्हें मेरी फ्रेंड काव्या याद है? उसके एक रिलेटिव की कल सर्जरी होने वाली है, अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। और तुम्हारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव? हाँ, मेरा एक्चुअली खून इतना लाल नहीं है, हो सकता है उनको सूट ना करे। पूछो पूछो, पूछती रहो। सिद्धू सॉरी, मुझे समझ नहीं आया मैं किसे कॉल करूं, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो काव्या के लिए था इसलिए बोल रहा था। तुम्हारे लिए तो चलेगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं डोनेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच सिद्धू। तो फिर मैं तुमको कहाँ आना है इस बारे में डिटेल मैसेज सेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। हे, बियर प्लान कैंसिल, तू पी ले सारी। क्यों, क्या हो गया? किसी इंसान को जरूरत हो तो मदद करनी चाहिए ना। कल ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है, मैं पी नहीं सकता, मैं डोनेट करने के बाद पीऊंगा। ए, कल तेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट शो है, शो करना और पेमेंट ले लेना। ये चैरिटी वाले काम क्यों कर रहा है? किसी अल्कोहलिक की तरह बात मत कर यार, हम तो सोलमेट्स हैं। Yeah. See you tomorrow, bro. See you, see you. सिद्धू तुम लेट हो। हा? तुम एनआरआई की यही प्रॉब्लम है, मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आया हूँ। डॉक्टर। हाय अन्विता, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सिद्धू। हेलो। हाय सिद्धू, तुम अंदर चले जाओ। वहाँ? हाँ। ओके ठीक है। घबराओ मत, सब सही से होगा। बाइसेप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं सुई टूट ना जाए, देख लेना। हेलो, रो क्यों रहे हो? हो गया। हाँ, हो गया क्या? हाँ सिस्टर।
वो बाहर एक लेडी है, उसको कुछ मत बताना प्लीज। उसको बता दूं कि सुई के दो टुकड़े हो गए? ये सही है, थैंक यू सिस्टर। ये किस लिए? ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट? हाँ। क्यों, डोनेट नहीं करना क्या? चेक करने के लिए कि डोनेशन के लिए सुटेबल है या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो सिस्टर, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। और ये किस लिए? दबाते रहो। तुम्हारी रिपोर्ट की इसको क्यों टेंशन है? तुम्हारी सिस्टर है? सिस्टर? तुम दुनिया में सबकी सिस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सब मेरी सिस्टर है। गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? गर्लफ्रेंड है क्या? वो ये दिखने में तुमसे थोड़ी बड़ी लगती है ना, तो तुम्हें पता है प्यार के बारे में एक शायर ने क्या कहा था सिस्टर? क्या कहा था? कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता वैसा ही होता है जैसा एक खून देने और लेने वाले का होता है, बस मैच होना चाहिए। थैंक यू। वेलकम। हो गया मैडम, मैंने 3-4 लीटर खून दे दिया। थैंक यू सिद्धू, वक्त पर काम आए। ये जूस पी लो, भरपेट खाना और आज रेस्ट करना। तुम ठीक हो ना? या, इतना ध्यान रखती हो, थैंक्स मैडम। मैडम मत कहो सिद्धू, मुझे अन्विता बुलाओ। ओके, अन्विता। मेरा दिल ला ला अन्विता, मेरा दिल तुझ पे फिदा अन्विता। प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। ओके पापा जी। हाँ लेकिन लिरिक्स तो ऐसे नहीं थे। अच्छा, मैंने चेंज किया क्या? क्या ये ओरिजिनल लिरिक्स नहीं है? ये सब बातें छोड़ो, ये देखो, बताओ ये लड़की कैसी है? वाओ, ये सिस्टर कौन है? सिस्टर। ए, ज्यादा बोलेगा तो बेल्ट से मारूंगा। हमें तेरी जोड़ी बनानी है, तू बहन बना रहा है। देख ले उसे और फिक्स कर। फिक्स से पहले पसंद भी होनी चाहिए ना, पसंद होगी तो उम्रों में बड़ी भी चलेगी। क्या मतलब? मेरा मतलब पसंद आई तो पीछे नहीं हटूंगा। क्या बकवास करता है। अच्छा तो अब इस लड़की की फोटो देख। ये रिजेक्ट मॉम। रिजेक्ट कर दिया? मुझे अभी कुछ नहीं देखना, मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन ऐसा क्यों? आप बैठो ना, आप कैसी हो, इतने दिनों से बात नहीं की है। अरे कल ही तो बात की थी नालायक। अरे वैसे नहीं, आप आज भी कितनी खूबसूरत है। मॉम कुछ पूछूं क्या आपसे? हाँ बोलो। सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? चलो यही कि ये सब सक्सेसफुल लोग हैं, समझे? हाँ सक्सेसफुल तो है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने अपने से बड़ी लड़की से शादी की, इसीलिए ये सब सक्सेसफुल है। आपने तो सुना ही होगा ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज एन एल्डर वुमन, है ना? ये कहावत ऐसे नहीं है। ये भी बदल दी क्या? अच्छा, ये लोग बिना बताए क्यों बदल देते पता नहीं। तो फिर बेटा तुम अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करोगे? मैं? फिर तो कुंवारा ही रह जाएगा। हे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु। अरे देखो श्री रामचंद्र जी, आपके फेवरेट गॉड है ना, किससे शादी की थी उन्होंने? सीता माता से शादी की थी। फिर देखा ना क्या हुआ, वो सिर्फ राम से श्री राम बन गए। वो महान है, वो भगवान है, श्री रामचंद्र। मैं पूजा करके आता हूँ। हाँ बेटा जा। निक जोनस प्रियंका एक दूजे के लिए। ये लड़का चाहता क्या है? अब तो इसकी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, अब इससे बड़ी उम्र की लड़की कहाँ से ढूंढ के लाए? वो बेवकूफ बनाता है और तुम बन जाती हो, समझी? बहुत चालाक है वो। हाँ, ओम निवेदिने नमः। नमस्ते ओम अन्नपूर्णाय नमः। मैं अन्विता, धर शक्ति नमः। सिद्धू की फ्रेंड। ओम सर्व लोक प्रियाय नमः। ओम देवताय नमः। ओम सिंह रूपेने नमः। ओम धारणाय नमः। ओम सर्व शक्तिये नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम राजेश्वराय नमः। ओम देवताय नमः। ओम देवीये नमः। ये लो।
मदद करती हूँ। ये तो इतनी शुगर बस है आंटी? मुझे कोई शुगर वुगर नहीं है बेटी, और चीनी डालो। ये कौन है आंटी? कौन? सिद्धू जैसे दिखते हैं। ओ, ये सिद्धू के दादाजी की है और वो दूसरी वाली फोटो उसकी दादी की है। महान लोग थे। इन्हें क्या हुआ था आंटी? इसकी दादी तो सोते सोते चल बसी और दादा का लिवर फेल हो गया था। अल्कोहलिक थे क्या? हाँ। ये कौन है? इसके नाना और नानी है। ये कैसे गुजरे आंटी? ये अभी नहीं गुजरे हैं, ये तो अभी जिंदा है, दोनों गांव में रहते हैं। सॉरी, कोई बात नहीं बेटी। अंकल भी गुजर गए? अंकल वॉकिंग के लिए गए हैं बेटी, वॉकिंग के लिए गए हैं बेटी, वॉकिंग के लिए। ये लड़की कौन है? सिद्धू की बहन है क्या? ये तो हमारा सिद्धू ही है। लड़की की ड्रेस पहनकर खिंचवाई थी, उसे ये फोटो पसंद नहीं है इसलिए उसने फोटो पलट कर रखी है। सिद्धू भी आपकी तरह हंसता है। अयो, ऐसा क्या, सब लोग यही कहते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं। रुको मैं दिखाती हूँ। यहाँ आओ, ये देखो मेरी छोटी बहन की शादी की है, इसमें सिद्धू कितना क्यूट लग रहा है। ये देखो सिद्धू के चाचा है। और फैमिली ये... में गंजेपन का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये गंजापन नहीं है, ये सब तिरुपति गए थे ना, वहाँ मुंडन कराया था। और ये मोटी औरत सिद्धू की चाची है। इनको थायराइड है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सिल्की साड़ी पहन रखी है ना, इसलिए वो मोटी है। एक बात बताओ, तुम इन बीमारियों की बात क्यों कर रही हो, डॉक्टर हो क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो मास्टर शेफ हूँ। अरे वाह, तुम एक शेफ हो, मुझे भी कुछ डिशेस की वैरायटी सिखाओगी क्या? हाँ पक्का आंटी। थैंक यू। वो जब गुजरात में भूकंप आया था ना, मेरे सिद्धू और उसके सारे दोस्तों ने कॉलोनी से फंड इकट्ठा किया था 2001 में ना। हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैं उस वक्त 10th के एग्जाम्स दे रही थी। तुम उस वक्त 10th में थी? लेकिन सिद्धू तो 5th में। तुम यही बैठकर फोटो देखती रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ संडे माँ सोने दो ना। बिना बताए तूने उसको घर पर बुला लिया? मैं किसको बुलाया? तेरी सीता माँ आई है। मैं क्या करूँ, राम जी को बताओ ना। ओए तेरी अनविता आई है। हा? जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जा। क्या? देखो इस फोटो में कितना क्यूट लग रहा है। हाय हाय सिद्धू, ये मेरी कजन सिस्टर की फोटो है। झूठ बोल रहा है, इसी की फोटो है। बस करो ना, तुमने तो सरप्राइज दे दिया। सिद्धू क्या तुम्हें याद नहीं, आंटी की प्रसाद रेसिपी ट्राई करने के लिए मुझे इनवाइट किया था। आंटी आपकी रेसिपी की इसने बहुत तारीफ की थी। अच्छा, इसे तो वो बहुत पसंद है। डैडी आ गए। रात को ये सीता माता की बात कर रहा था ना, ये वही है। एक्चुअली वो रात में सीता माता की पूजा कर रही थी ना, बहुत बड़ी भक्त है उनकी। वो प्रसाद वाला बुफे नहीं दोगी? चलो हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। ये मेरे डैडी हैं, पोली शेट्टी फनिंदर। हेलो। और ये है पोली शेट्टी लूसी। हे लूसी, हाय बोलो। हाय बोलो। डैडी है अनविता है। ये लो बेटा। तुम्हारी मॉम तो सीता माता की वो पूजा चल रही थी। कौन सी पूजा? उसी की बात चल रही है। इसे तुम पहले से जानती हो? सिद्धू हमारे होटल में स्टैंड अप वुमेन राइट्स और नेशनल एंथम के लिए। ये कैसी बातें कर रहा है तू? वही बातें कर रहा हूँ जो इसने मुझे कही थी, किस तरह से स्टैंड लेना है। मतलब वही ना, वो जो सेमिनार हुआ था। लेट हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, चलो, तो लेने दो उसको। नहीं नहीं, वो दूसरी बार ले लेगी ना, छोड़ो ना, बाद में। रुको, सुनो, फिर से जरूर आना, बाद बाद में ले लेगी। चलो ठीक है बेटी, मैं इसे बाहर तक। नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं छोड़ जाता हूँ। कॉफी बनाना मेरे लिए। बाप रे, बाल बाल बच गया। क्या तुमने घर पर नहीं बता रखा? नहीं नहीं, घर पे किसी को नहीं पता, मेरे डैडी मेरी जान ले लेंगे। वैसे स्टैंड अप सेमिनार वाली बात सही से संभाल लिया तुमने। क्या मेरे पास कोई चारा था? थैंक यू। हाँ लेकिन वो क्या था, तुम और माँ मिलकर मेरी बायोग्राफी देख रहे थे? वो तो आंटी तुम्हारी फोटो दिखा रही थी तो। लगता है तुम बहुत हद तक अपने दादाजी पर गए। उनकी शराब पीने से डेथ हुई थी ना? हाँ वो। मुझे माफ करना। अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है, वो कोई 16 साल की बाली उम्र में नहीं मरे थे, वो 90 साल के थे। हमारे जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा है। बस उनका एक आखिरी पैक रह गया था, उसे पीने से पहले ही
मैं बस उनका आखिरी पेट पूरा कर रहा हूँ। चीयर्स दादाजी। सिद्धू, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ? क्या शराब पीना छोड़ सकते हो? हाँ? सेहत के लिए अच्छा होगा। छोड़ दूंगा, इनफैक्ट छोड़ दिया। अरे मैंने तो कल रात को भी नहीं पी थी। ये शराब आखिर होती क्या अनविता, कैसे पी लेते हैं लोग इसे? मुझे शराबी लोग पसंद ही नहीं है। सिद्धू, मेन बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस शो के लिए एक फोटोशूट रखा गया है। तो क्या उन वो बड़े पोस्टर्स पर मेरा फेस होगा? हाँ सिद्धू, जैसा प्रॉम। चीयर्स। अनविता, इतने बड़े शो के लिए थैंक यू सो मच। देखना, कभी मुझे अगर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ऑस्कर मिला ना, सबसे पहले तुम्हारा नाम लूंगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, खुद को देखो, तुमने हैरान कर दिया सबको। क्या तुम भी। सिद्धू, तुम अपनी ये जॉब छोड़कर फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते? फुल टाइम? नहीं नहीं, मेरे डैड बिल्कुल नहीं मानेंगे, और वैसे भी जॉब करना बहुत इजी काम है। सिद्धू, इस वाइन ग्लास में हम कॉफी तो पी सकते हैं, लेकिन ये किसी और चीज के लिए बना है। तुम और कॉमेडी भी एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें खुशी हो, तो लाइफ भी एक्साइटिंग रहेगी। हाँ, लेकिन सिद्धू, तुम्हारी सादगी, चतुराई, अट्रैक्शन, ह्यूमर, अच्छी सोच, एक ही आदमी में इतनी क्वालिटीज हो तो फिर सोचने की क्या बात। मेरा मतलब, तुम यकीनन सक्सेसफुल हो जाओगे। अच्छा, अरे ये क्या, आज चड्डी में ही ऑफिस जाओगे क्या? मेरी जनता यही देखना चाहती है मामा। अरे See you soon. मेरा बेटा एकदम अतरंगी है, रोज रंग बदलता है। तुम पहले सब्जी दो। कॉर्पोरेट के गुलाम। सिद्धू, यहाँ कैसे? यस। क्या हुआ इसको? ला 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 ला। क्या कर रहे हो सिद्धू? गाइस, मैंने रिजाइन कर दिया। क्या? रिजाइन कर दिया? ऐसा क्यों किया सिद्धू? अभी सच सच बता, तुझे फायर कर दिया ना, और अब तू रिजाइन करने का नाटक करके दिखा रहा है ना? अरे ये टी कप है ना, तुम इसमें कॉफी डाल के भी पी सकते हो, लेकिन ये इसके लिए नहीं बना है। लेकिन ये कॉफी कप भी तो है। हाँ, जब उसने कहा था तब तो सही लग रहा था, अब सही नहीं लग रहा है। खैर वो सब छोड़ो, मैं जॉब इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मैं बनूंगा फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन। तुम दिन रात लोगों को हंसाने का काम करोगे? हाँ, और अगर लोग नहीं हंसे तो तेरी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा। थैंक यू, आप लोगों ने रोज मेरे जोक्स पर हंसकर मेरा हौसला बढ़ाया। आप लोग अब बस मेरी एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प कर दो प्लीज। ये नहीं, मैं बताता हूँ। सिद्धू ही सही रहेगा काव्या, दो शब्दों में कहूँ तो टेलर मेड, राइट? हाँ, जब जॉब छोड़कर फुल टाइम कॉमेडियन की बात सुनी तो मैं एक बार को घबरा गया था, लेकिन अब तुम पर एक इंटरनेशनल शेफ भरोसा करती है। अब मुझे सही डोनर मिल गया है, मैं उसे सब बता देती हूँ। I'm so excited. मुझे उम्मीद है वो जरूर मानेगा, वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इस तरह प्रपोज करोगे तो कोई मना नहीं कर सकता, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन तब तक सिद्धू। हाँ अनविता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। हाँ? सिद्धू। हाँ? आप, हे।
सिद्धू, व्हाट्स अप गाइस, क्या नाटक चल रहा है यहां पर? व्हाट्स हैपनिंग गाइस? ओहो, शादी किया उसको प्रेग्नेंट करने में कैसे हेल्प करूंगा? मतलब डायरेक्ट फर्स्ट नाइट, हाँ सीधा मेन काम करना है। What the शॉक में है सिद्धू। पियो दोस्त, आज पियो ना। तो इसी की तरफ से होनी चाहिए। ए, तेरी पार्टी और तू ही दारू नहीं पी रहा? पीना यार, चल ना पीना। तू ऐसे सोबर बैठा रहेगा तो हमको पीने में गिल्टी फील होगा। भाई उस गिल्ट में हमें ज्यादा पीनी पड़ेगी। थोड़ा हमारा भी सोचो, या उसी के ख्यालों में रहोगे? कितनी खुशी की बात है। देखो ना, एक तरफ वो और एक तरफ तुम। उसकी पोजीशन देखो और तुम्हारी देखो, उसकी उम्र देखो और तुम्हारी देखो। तुमने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हमें तुम पर नाज है। शांत हो जा, रुको। क्या बोली वो? हाँ बोली या ना बोली, बस इतना बताओ। इन्होंने एक दूसरे को किस किया और हग भी किया था। करेक्ट है। तुम दोनों चुप रहोगे क्या? अब बोल। अब तो उसने मना तो नहीं किया। तो फिर? लेकिन उसने हाँ भी नहीं कहा। क्या मतलब है सिद्धू, सही से बताओ। मैडम को पिज्जा खाना तो है, लेकिन कैलोरीज नहीं चाहिए। जैसे एक घर तो चाहिए, लेकिन EMI पे नहीं करनी। फ्लाइट से तो जाना है, लेकिन टिकट नहीं खरीदनी। लड़कियां हमारी तरफ स्माइल करके देखती है तो हम उसे प्यार समझ लेते हैं। तो क्या उसने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया? यार समझ ही नहीं आ रहा वो आखिर चाहती क्या है। मैडम कहती है कि उसको मुझसे एक बेबी चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी में मैं ना रहूं। क्या था? वो चाहती है मैं उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बनूं। बस प्रेग्नेंट होने के लिए उसको मेरी मदद चाहिए।
उसे शादी का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ना तो मैं फ्रेंड जोन हुआ और ना ही गर्लफ्रेंड जोन हुआ, मैं तो बस यूज एंड थ्रो जोन हुआ। चीयर्स। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना इन फैंटेसी से दूर रहने के लिए। पता था, मुझे यकीन था ये काम नहीं करेगा। वैसे भी एक तरफ वो और एक तरफ तुम। उसकी पोजीशन देखो और तुम्हारी देखो, उसकी उम्र देखो और तुम्हारी देखो। तुमने प्रूव कर दिया है कि बराबरी वालों से ही प्यार करो। ओह कूल कूल। वैसे बिना टिकट उड़ान भरने में तुझे प्रॉब्लम क्या है? उसका ऑफर एकदम क्लियर है, तू ही कॉम्प्लिकेट कर रहा है यार। हेलो, सेक्स तेरे लिए ऑफर हो सकता है, समझा? मेरे लिए वो एक इमोशन है। ठीक है, इमोशनल होकर ही कर यार। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो ना, भागो सब यहाँ से। चलो। अरे सिद्धू रुक जा यार। मुझे नहीं पता था सिद्धू प्रपोज कर देगा, पहले बताना चाहिए था। शायद मेरी ही गलती है। हमारी गलती नहीं है अनवी, हम बस उसे जानने का वक्त ले रहे थे। उसे ही तुमसे इतने जल्दी प्यार हो गया। काव्या, ये सब तुम्हारे आइडियाज थे, अब जो करना है मैं करूंगी। पहले सिद्धू से माफी मांगूंगी। ए लूसी, तुझे बाहर क्यों जाना, यहीं कहीं सुसु कर लेना। छी छी, बेशरम, सुबह सुबह शराब पीकर पड़ा है। ये लूसी का वॉकिंग टाइम है, उठ और इसे लेकर जा। माँ, मैं अभी नहीं जा सकता, बहुत सर दर्द। हाँ, पीने से पहले सोचा था। वॉक पे जाकर क्या हासिल करेगा, सोने दो उसे। कौन सा ऑफिस जाना है? तू पहले मुझे एक बात बता, तुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या थी, दिन भर बैठ कर दारू पीने के लिए? जैसे नंबर लाया है तू डिग्री में, उसे देख कर कोई तुझे जॉब नहीं देगा। अब क्योंकि हमने तुझे पैदा किया है तो पेट भी हम ही भरेंगे। कर्मा, मैं तो सिद्धू। हाँ आओ ना, बैठो। सिद्धू, अनविता आई है। अब क्यों आई है वो? मुझे क्या पता, जा फ्रेश होकर आ जा। ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो हमारे घर चलती रहती है। हाँ, बताओ क्या लोगी, कॉफी या फिर चाय? इसे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकती माँ। सिद्धू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इन प्राइवेट। सिद्धू, I'm sorry, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या कहूँ। मैं बस तुम्हें जानने के लिए थोड़ा वक्त ले रही थी और तुम्हें तो प्यार ही हो गया। अच्छा ऐसा, किसी को जानने का ये कैसा प्रोसेस है? तुम और तुम्हारी फ्रेंड क्या सीबीआई से हो क्या? मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी, कॉर्पोरेट शो, ये सब मजाक था ना? वो सब झूठ नहीं था सिद्धू, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारा स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा फ्यूचर है। बस करो प्लीज, बस करो ये सारी बातें कि सिद्धू यू आर सो फनी, तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं। अपने दिल की आवाज कब सुनोगे सिद्धू? सेहत पर ध्यान दो, अपनी केयर करो, और फिर कहा कि शराब पीना छोड़ दो सिद्धू। अगर इस तरह की बातें कहोगी तो यही लगेगा ना कि प्यार करती हो सिद्धू। फीलिंग्स नहीं आएगी क्या? फीलिंग्स की बात सुनो, मैंने अपनी इमेजिनेशन में हम दोनों को खाजा मेंशन फंक्शन हॉल में देख लिया, पता है? नहीं तो मुझे समझने की कोशिश तो करो। ना पसंद करती ना तो मैं अपने कर्मों को कोस लेता, काम पसंद नहीं आता ना तब भी मैं अच्छी तरह से ये बात समझ लेता, आदतों से प्रॉब्लम होती ना, ओके सेटिंग नहीं होगी ये बात समझ जाता। लेकिन ये क्या, मैं पसंद भी हूँ, मुझसे बच्चा भी चाहती हो लेकिन मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम्हारे बारे में नहीं है सिद्धू, ये मेरे बारे में है, ये प्यार, रिलेशनशिप्स और शादी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए एक कप होगा, मेरे लिए फुल प्लेट मील है, समझी? ओके सिद्धू, इसे यही खत्म करते हैं। तुम्हारे यूके में तो ये शादी, प्रेगनेंसी, किसी वीकेंड पे होने वाली फन एक्टिविटी है ना, लेकिन इंडिया में ना ये एक जीवन भर का साथ है मैडम। ये इंडिया या यूके की बात नहीं है, इसको समझने के लिए मैच्योरिटी होनी चाहिए। सही है, ऐसे चीप आइडिया को ना मैं नहीं समझ सकता। आई एम वेरी सॉरी। चीप कैसे है? एक कुंवारी औरत अगर माँ बनना चाहे तो वो तुम्हारे हिसाब से चीप है? आखिर इसमें चीप क्या है? मैं तो बस यहाँ अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए आई थी। तुम ही थे ना जिसने कहा था सब कुछ कर लेने के बाद जो इमोशन बचता है वही प्यार है। तो फिर तुम कैसे इतनी जल्दी प्यार में पड़ सकते हो, खुद की ही बात भूल गए? ओके, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के स्टेज पर कहे हुए जोक्स को तुमने इतना सीरियसली ले लिया, हैट्स ऑफ मैडम, क्या बात है। नहीं तो
मैं ना एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से हूँ अन्विता, इस तरह के काम नहीं करता मैं। ज़बान संभाल के। देखा देखा ना, तुम्हारा ही प्लान मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। किस बात का बुरा लग रहा है जरा बताओ। हाँ बताओ ना। बहुत हुआ सर। बोलो। तुम इतने नैरो माइंडेड हो गए, मैंने सोचा नहीं था। गुड बाय। हाँ हाँ, और एक बात, तुम अपने आप को कॉमेडियन मत समझो, जोकर हो तुम, और बस जोकर ही रहोगे। प्यार इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन लड़कियां उसे ऐसा बना देती है। लड़कों के इंटेंशंस हमेशा ही साफ होते हैं। एक लड़का जब भी किसी लड़की से हाय कहता है ना, तो उसका मतलब होता है आई लव यू। उसके मन में इसके अलावा और कोई बात नहीं रहती है। हाँ तुम अच्छे दोस्त बन सकते हो, दोस्त कौन बनना चाहता है भाई, जब देखो तब फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। लेकिन लड़कियां अलग होती है ब्रो। जब कोई लड़की बोले ना कि आई लव यू, तो उसका मतलब होता है हाय। तुमने मुझे उस दिन आई लव यू नहीं कहा था? रमेश, मैं अपने डॉगी को दिन में 10 बार आई लव यू बोलती हूँ, तो क्या अब मैं टॉमी वेट सुप्रिया के वेडिंग कार्ड छपा दूँ? पता है मैं ये सब यहाँ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि घर पे तो ये सारी बात नहीं कर सकता ना। ऐसा डिस्कशन घर पे नहीं हो सकता ब्रो, चांस ही नहीं है। लव, सेक्स, धोखा, इन सारी फीलिंग से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी? आई होप सबने देखी होगी। वो मूवी देखकर सबको पेंटर बनना था। अच्छा वो मूवी में ना एक किस सीन है, मैं तो वही सीन देखने गया था, लेकिन जैसे ही किस सीन आने वाला था ना, मेरे डैडी बोले जा रहे समोसा लेके। नहीं नहीं समोसा नहीं, अच्छा माजा, रेवती माजा, ये माजा माजा ठीक है। अरे मजा आ रहा, कहां माजा की बात कर रहे हो? वो मेरे साथ ये डिस्कशन नहीं करते समझता हूँ, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ भी ये डिस्कशन नहीं करते ब्रो। एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते? मुझे तो शक होता है कहीं ये दोनों कोवर्कर्स तो नहीं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि डैडी मैं कैसे पैदा हुआ था। छी, ये कौन पूछता है, ये कैसा सवाल है? ऊपर वाले की कृपा से। मेरे मॉम डैड का मिडिल क्लास रोमांस बहुत गजब है भाई। हे रेवती, मैं ना हमारे घर के लिए 3-स्टार एसी लाया हूं, इससे पूरे 1500 रुपए की बचत होगी। मैं तुम्हें और भी कुछ कहना चाहता हूं, सिद्धू ऑफिस चला गया है, तो आओ ना हम साथ मिलकर एक और सिद्धू ट्राई करें। बेबी, ओह यह, ओह यह, ओह यह। Who is Sidhu's daddy? Who is Sidhu's daddy? You are Sidhu's daddy. Oh yeah. That's right. That's right. I am Sidhu's daddy. वैसे ये सिर्फ मेरे डैडी की बात नहीं है, सबके डैडी की बात है, सबके डैडी ऐसे ही होते हैं। That was my set. Thank you very much. Hey, तूने कमाल कर दिया, क्या बात है, सब सेट था। और वो डैडी वाले जोक्स तो एकदम डैडी थे यहाँ। क्या कहा? अरे हाँ वो क्राउड में थे, उन्होंने सब देख लिया। मुझे कुछ नहीं पता, अभी तेरे से पता लगा है। भगवान, अरे यार पूजा अर्चना मंदिर, उनको दुख हुआ होगा। अरे उनके दुख की छोड़, मेरा क्या होगा वो सोच। अरे सिद्धू रुक जा, डोसा बनाया खाकर जा। नहीं नहीं वो मुंह। हाँ आजा आजा, देख क्या रही हो, बनाओ और खिलाओ, घर में खाएगा और बाहर जोक सुनाएगा, है ना बेटा? वो तो मजाक था डैड, सबके फादर्स पर जनरल जोक था सच में। जनरली तो सबके डैडी अपने बेटों से खुश है सिवाय मेरे। वो स्टैंड अप था डैड, पैशन फॉलो करना गलत बात है क्या? मुझे प्रोफेशनल कॉमेडियन बनना है। तो ऐसे जॉबलेस होकर गंदे गंदे एडल्ट जोक्स मारने को तू प्रोफेशन कहता है, यही कहना चाहता है? नहीं
तुझे शर्म नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, अरे तेरे भेजे में अक्कल है कि नहीं? नहीं, स्टैंड अप करना इतना बुरा काम नहीं होता, और ये जितना आसान लगता है ना उतना आसान होता नहीं है। हाँ। ये एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। मॉम भी अगर एक घंटे का कुक शो करे और अपनी ब्रांड इमेज बना लेना तो इसमें बहुत पैसा है सच में। लो सुन लो, तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? ये बता, कल रात जो तूने गंद मचाई उसके लिए तुझे कितने पैसे मिले? 5,000 रुपए मिले डैड। ओहो, 5,000 मिले हैं, 5 लाख नहीं मिले? मतलब ये कि कुछ हजार रुपयों के लिए तू हमारे घर की इज्जत को रोज मिट्टी में मिलाने जाएगा? यार कैसी बातें कर रहे हैं डैड, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या है माँ, ये मेरी बात समझ बैठ के मेरी बात का जवाब दे। अपने डैडी की बात सुन, सभी लोग तुम पर हंसेंगे ना बेटा, तुम यही चाहते हो क्या? हाँ मैं तो यही चाहता हूँ माँ। अरे महामूर्ख, इस तरह के काम से इज्जत मिलती है क्या? तेरे इन गंदे टुच्चे कामों से तेरी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होती जाएगी, तब ठीक रहेगा। नमस्ते। हाँ आजा आजा, तू भी इसके कॉमेडी बैच का है ना? अरे बेटा आजा, तू भी बैठ, तू भी नाश्ता कर, आजा। मैं कैसे खानू सिद्धू पर इतना गुस्सा करे अंकल? अंकल अंकल, हमें जरूरी काम से बाहर जाना है। वही तो, कितना लेट हो गया, क्या करता है तू? आजा। मैं हाँ ठीक है, पूरी कॉलोनी के लिए डोसा उत्तपा बनाती रहो। पहले ही इतनी कड़की चल रही है और ऊपर से तू ऐसी महंगी जगह पे कॉफी पीने लेकर आ गया। ए, अब तो एक इम्पोर्टेंट पर्सन से बात करने वाला है, यहाँ बैठ जा, बैठ। कहाँ इम्पोर्टेंट पर्सन? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई एम राहुल कुमार, तुम्हारा मैनेजर। क्या, मेरा मैनेजर कब बना? तुम्हारे पेमेंट्स, स्केड्यूल्स, मीटिंग्स और शोज अब से मैं देखूंगा। मुश्किल से हफ्ते में एक शो मिल रहा है और तुझे स्केड्यूल्स, मीटिंग्स और पेमेंट्स देखना है। ए, तुम्हारा शो देखकर ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप के लेवल का खिलाड़ी गली में क्रिकेट क्यों खेल रहा है। सिद्धू सिद्धू, तेरा टाइम आ गया है रे, अब दुनिया को अपना जलवा दिखाना होगा। अच्छा, और इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि तुम्हारी मीटिंग्स, स्केड्यूल्स, पेमेंट्स अच्छे से हैंडल कर सकूं। तुझे आगे बढ़ना चाहिए यार। अच्छा, तुम्हारी मॉम के साइड में या डैड के साइड में कोई हेरिटेजिटी इशू की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं अच्छी बात है। ए, मेरी सैलरी की बात सुनकर तूने मुंह क्यों फेर लिया? तुम्हारे दादाजी की उम्र क्या है? 86। और तुम्हारे दादी की? 76। ट्रेन एक्सीडेंट में कितने बच्चों को बचाया? अरे पूछे पूछो ना, क्या चल रहा है यहाँ? दादी जी के घुटने, दादी जी की कमर दर्द फिर से शुरू हो गई ना? सिद्धू, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हा? इतनी इतनी जल्दी दूसरा आदमी भी ढूंढ लिया? तो तुम्हें क्या लगा तुम धरती पर आखिरी आदमी बचे थे? अन्विता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अन्विता, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। अन्विता, ये कौन है? मैं तेरी जगह था ब्रो, जरा सा चूक गया। इसको लव मत समझ लेना, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक एंटी सोशल आइडिया है और कुछ नहीं। मैंने वो गलती फिर से नहीं दोहराई है, पहले से ही सब बता दिया है। बता दिया क्या? हाँ। ओके ब्रो, बोलो। तू ये सबसे खुश है ना? एक दिन का काम है ब्रो, इसमें क्या बुराई है? और तू बिना शादी के बाप बनेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? घर पे क्या बताएगा, कहाँ मुंह काला कर गया? अपनी होने वाली पत्नी को ये बताएगा कि तू कुंवारा बाप है? उनको पता है, इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड भी ये जानती है। एक्चुअली उसने ही मुझे आगे बढ़ने को कहा था। ची 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 ची। क्या है ये, तेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि कर ले? हाँ। अरे ये क्या हो रहा है समाज में हमारे? छी 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 छी, ये कोई एमबीए का कोर्स है जो उसने कह दिया कि आगे बढ़ो? यहाँ सीन क्रिएट मत करो आदित्य, हम फिर कभी मिलकर डिस्कस करेंगे और प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। श्योर। अरे यार, अब तुम इसे प्रोसीजर भी कहने लग गई हो। टेक इट इजी ब्रो। अबे काय का टेक इट इजी? हाँ अब ये कौन सी फॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं? काम करने का मुहूर्त निकलवाएंगे। हाँ ओके है, तेरा मुंह ऐसा ही लटका रहेगा तो कल के शो में नहीं चलने वाला। यार मेरा मूड खराब है, मैं खुद ही रो रहा हूँ यहाँ, और मैं लोगों को क्या हंसाऊंगा? मूड खराब है, वाओ, मैं तुझ पर विश्वास करके तेरा मैनेजर बना, मूड खराब करेगा तो मेरा क्या होगा? ए, ये कला है पता है ना, कॉमेडी का मतलब है टूटे दिल के साथ भी लोगों को हंसाना। डिप्रेशन का मतलब लाइफ माइनस अन्विता, कुछ समझा क्या? ये अन्विता अन्विता क्या करता रहता है, कुछ और काम नहीं है क्या? मूव ऑन। क्या मेरे दोस्त, ये इतना आसान नहीं है, मेरी जगह पर मैं किसी और आदमी को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ यार।
अच्छा सच सच बता मुझे, मैं अच्छा दिखता तो हूँ ना, और वो बंदर, थू, बंदर की शक्ल का उल्लू, उसे बुरा भला कहने से क्या होगा, तूने मना किया तभी तो उसका नंबर आया ना। हाँ तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो दोनों साथ में नजर आ जाते यार, वो अभी क्या कर रहे होंगे। ऐसे ख्याल आते मुझे, उसके दो कौड़ी के जोक्स पर हाहा करके हंसती रहती है। क्या क्या मैंने जोक्स नहीं सुनाए थे क्या? उसके बारे में सोच सोच कर मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना कि मन करता साले को एक मुक्का मारूं। तो फिर अनमिता की बात मान ले। कैसे? किसी औरत के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। अरे भाई ये कहावत तो आदमियों के लिए है ना। अरे औरत के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। मेक लव टू क्रिएट लव। देख अगर तू चाहता है कि वो तुझे प्यार करे तो तू उसके प्यार में डूब जा। अरे मैं क्या एक्सेप्ट करूँ, उसे भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। क्या मतलब क्या करूँ? अरे जाओ उसे भीख मांग, रिक्वेस्ट कर, उसके पैरों में पड़, माफी मांग। चल मैं क्यों रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने क्या गलती की है? इम्पॉसिबल। ना 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 नेवर। सॉरी अनविता, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज। उधर देख तेरी ड्रॉइंग, बस एक माइक की कमी है। चुप नहीं है। देखो मैंने इंटरव्यूज और बैकग्राउंड चेक ये सब पहले ही क्लियर कर दिया था ना, बस ये है कि मेरी जॉइनिंग डेट लेट हो गई है। लेकिन मैं इस जॉब के लिए सिलेक्ट तो हो ही चुका था ना, तो फिर। अच्छा अब ये चीप हरकत नहीं है क्या? चीप ची 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 ची। वो तो मैं उस वक्त बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ एकदम मैच्योर। प्लीज बात सुनो ना, ये कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे अनवी आंटी, इनको एक चांस दे दो। बेटा आपको भी पता है कि इसे कैसा चांस चाहिए। किरू बच्चे भगवान का रूप होते हैं, आपको मान जाना चाहिए। आप इसे इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं? जैसे कि सारी गलती बस इसी की हो। आपने इसे सारी बातें शुरुआत में नहीं बताई, ये आपकी गलती थी। बात पता लगने के बाद फ्रस्ट्रेशन में इसने भी बहुत ओवर एक्ट किया था। दो नेगेटिव हुए पॉजिटिव, और अब तो इसको आपकी सारी शर्तें भी मंजूर है। मंजूर है, मंजूर। अब जो भी है मुझे सिद्धू, अनवी एक मिनट, टू मिनट्स, हाँ अंदर चलो बात करते हैं। क्या है अनवी, एक बार फिर सोच लो, वो सही कह रहा है। हमने नहीं बताया था इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया, वरना वो हमेशा तुम्हारी पहली पसंद रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आदित्य को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिद्धू के साथ तुमने 3 महीने ट्रैवल किया है, आदित्य के साथ सिर्फ 3 हफ्ते। आर यू श्योर? सिद्धू मेरी पहली पसंद था, लेकिन आदित्य नैरो माइंडेड नहीं। सॉरी कह रहा है वो तुम्हें, इसका मतलब वो नैरो माइंडेड नहीं है। प्रेजेंट की चिंता मत करो, फ्यूचर को देख कर चलो, तुम्हारे बच्चे का सवाल है। सही कहा। ओके सिद्धू, हमें मंजूर है, मैं कॉल करके तुम्हें मिलने की जगह बताऊंगी। ओके मैं इंतजार करूंगा। बाय, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। अभी होटल आ सकते हो? हाँ अच्छा, अभी करना है क्या? हाँ जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, जल्दी जल्दी आता हूँ। ओके बाय। अरे सिद्धू इतना स्मार्ट बन के कहाँ जा रहा है? वो कुछ काम है। ऐसा क्या काम है? वो है कुछ जरूरी काम। ये ले, आज श्रावण महीने का शुक्रवार है, शुभ दिन है, आज के दिन सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पक्का ना? हाँ। What a coincidence. आज मुझे मनोकामना मांगनी तो नहीं है, बल्कि एक सपना पूरा हो सकता है, मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। थैंक यू। अरे सुनो, हाँ ये क्या करने जा रहा है, इसे जाने बिना इसे आशीर्वाद मत दो। माँ जब भी मैं बाहर निकलता हूँ उसके पहले डैडी मेरा मूड खराब कर देते हैं। अरे तू जाने दे। और हमारे मूड का कोई मतलब नहीं, ऐसी सिंसियरिटी ऑफिस में दिखाता तो शादी हो चुकी होती, पोते खिला रहे होते हम। हाँ आपसे ही सीख रहा हूँ डैड। क्या बोला? हेलो, हाय हाय।
जी I'm sorry, मैं लेट हो गया हूँ आप किसी भी वक्त आइए सर मैम को तो आपसे मिलना ही है आप जाइए उनके कैबिन में बैठिए प्लीज गो ओके आप ना आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना हाय अनुता हाय सिद्धू हाय मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी फॉर्मेलिटी शुरू करें अच्छा डायरेक्ट अच्छा कहाँ चलना मेरे ख्याल से तुम्हारे यहाँ ठीक रहेगा यहीं कर लेते हैं यहीं पर लेकिन यहाँ दूसरे लोग भी हैं थोड़ी प्राइवेसी मैं समझती हूँ तो फिर यहाँ करते हैं सोफा पर करेंगे हाँ अच्छा मैं अभी आती हूँ ओके अनविता सीसीटीवी कैमरा लगा है तो क्या हुआ मेरा सब रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हैं ये क्या बोल रही हो तुम वायरल हो जाएंगे दोनों वायरल सिद्धू ये इंडिया में नया हो सकता है लेकिन विदेशों में बहुत कॉमन है अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो अनविता मुझे बहुत शाय फील हो रहा है ओह गॉड मैं समझ गई ओके एक काम करते हैं मैं एक बार प्रोसीजर को डिटेल में समझाती हूँ फिर काम शुरू करते हैं ये चलेगा ना हाँ प्रोसीजर की टेंशन नहीं है वो तो नाइन से पता है सिद्धू मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है हाँ मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ लेकिन फिजिकली इंटीमेट होकर नहीं अच्छा मुझे छेड़ रही हो फिजिकली हुए बिना प्रेग्नेंट कैसे हो जाओगी तुम हा? उसकी एक प्रोसेस होती है IUI क्या ये डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है क्या IUI डॉक्टर वाई यानी वो सुपरवाइज करेगा तो मुझे फील कैसे आएगी सिद्धू मेरी बात ध्यान से सुनो इस IUI प्रोसेस में तुम्हें बस स्पर्म डोनेट करने हैं क्या तुम्हारे स्पर्म से मुझे आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाएगा और ये किसी फिजिकल या इमोशनल अटैचमेंट के बिना होगा स्पर्म डोनर थोड़ा पानी पीना मुझे वो क्या है ना ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है मेरे लिए तो मतलब मैं बस स्पर्म डोनेट करूंगा मेरे स्पर्म को डॉक्टर इंसेमिनेट करेगा और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी एग्जैक्टली अच्छा तुम्हारी मदद से प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ का मतलब ये था ओके तो मतलब मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा और तुम बेबी भी डिलीवर कर दोगी कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी जैसे स्विगी करता है अग्रीमेंट पेपर्स अग्रीमेंट ओहो अग्रीमेंट भी होता है ओहो वकील भी शामिल होगा वेरी नाइस इस IUI लीगल डॉक्यूमेंट के मुताबिक तुम अपनी इच्छा से स्पर्म डोनेट करोगे और डोनेशन के बाद ये जानकारी हम दोनों को कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी जैसे ही ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगी डोनर और रिसीवर का रिश्ता खत्म कानूनी तौर पर ना तुम पिता रहोगे ना पार्टनर और ना फ्रेंड तुम्हारा मुझ पर या मेरे बच्चे पर किसी तरह का कोई हक नहीं रहेगा तुम हमेशा मेरे बच्चे के लिए अनजान रहोगे और तुम्हारे डोनर होने की इन्फॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा अगर तुम इन शर्तों को तोड़ते हो तो तुम पर लीगल एक्शन ली जाएगी वाओ लीगल एक्शन मैं कांटेक्ट भी नहीं कर सकता तुम्हारा बच्चा मेरा कुछ नहीं है सिद्धू मैं अच्छे से समझ सकती हूँ अगर इसको लेकर तुम्हें किसी तरह का डाउट है तो मना कर सकते हो नहीं मैं करूंगा
और पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज सिर्फ मुझसे जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहा हूं। मैं कल तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी कहां आना है। तुम तो हमेशा टाइम पे आती हो। 10 बजे बुला के 10:30 बजे क्यों आई? अपॉइंटमेंट 10:30 का है। तुम हमेशा लेट आते हो ना, इसलिए आधा घंटा जल्दी बुलाया। क्या? अब चलो। वो मैं रात को बिल्कुल सो ही नहीं पाया। वो क्यों? तुम नहीं जानती? तुम जानती नहीं हो या जानना चाहती नहीं हो? मैं तुमसे लव करता हूँ अनविता। सिद्धू, ओवर ड्रामेटिक मत बनो। ये लव शव की बातें करके तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो इस तरह। इरिटेट? हाँ, पब्लिक प्लेस में तो ऐसा मत करो। क्या पब्लिक? ये यहाँ कोई गलत बात नहीं है, ये मेरा काम है। नहीं तो मुझे वैसे भी इस मैगजीन की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तो तुम्हें इमेजिन करूंगा ना। सिद्धू, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों? अग्रीमेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा सोचना भी मत। अरे अब क्या मुझे इमेजिनेशन की भी आजादी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हा? कितनी डोमिनेटिंग है ये। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इमेजिन नहीं करने वाला। क्या गारंटी है? अच्छा, गारंटी चाहिए? देख लेना, बच्चे की शक्ल तुम पर नहीं जाएगी। बाप इसको देख रहा है ना, इस पर ही जाएगी। मैडम, आप ब्लड टेस्ट के लिए चलिए। हाँ, ले जाओ सर, ले जाओ यार। सिद्धू। हाँ, नहीं करूंगा। सर, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आइए, आपका सीमन कलेक्ट करते हैं। क्या मतलब? मैं खुद कर लूंगा। हाँ चलो। ये स्पर्म सैंपल की ये बॉटल लो और वेट करो। मुझे घोड़ा समझ रखा है क्या? मैं इसे नहीं भर पाऊंगा। वो बॉटल। सॉरी सॉरी। ओके। यही है ना आदमजात का कीमती हीरा। आपको जिस तरह की क्वालिटी चाहिए थी, मुझे लगा था कि आपको कोई नहीं मिलेगा। गुड। कहा था ना स्ट्रॉन्ग जीन्स है मेरे। देख है ना, ट्विंस होंगे। सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, मेरे दादाजी के 11 बच्चे थे, समझी ना? डोनर तुम्हारे दादाजी नहीं है। देखिए सर, अब अगर आपको स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। ओके। स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। क्या? आज से अगले 6 हफ्ते तक जो डाइट और एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करनी होगी। खास तौर से फेन्युग्रीक आपको बहुत खानी है। क्या कहा इन्होंने? फेविक्विक, ये क्या है? और क्या करना होगा? स्किन टाइट जीन्स नहीं पहननी है, हवा आनी जानी चाहिए ना। सिद्धू, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप ऐसी बात करोगे तो मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही ना। स्ट्रेस से मुझे याद आया, सेल्फ एंटरटेनमेंट से जरा बच के रहना। इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है डॉक्टर। ये कोई मजाक है क्या? ऐसा करने की क्या जरूरत है डॉक्टर? रोज लाखों औरतें इंडिया में प्रेग्नेंट होती है, क्या सबके पति ऐसा करते हैं क्या? यहाँ हालात अलग है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। हमें इस काम में बेस्ट क्वालिटी स्पर्म ही लेना पड़ता है। मैडम, ये डोनर की क्वालिटी का तो आपने ख्याल रख लिया, अब वैसा ही आपको इनके रूटीन का ख्याल रखना चाहिए। जितना स्पर्म काउंट होगा उतना ही सक्सेस रेट होगा। मैं समझ गई डॉक्टर। गुड, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम कहाँ से आ गए? ये तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आपने 6 हफ्ते बोला, लेकिन क्या संडेज और नेशनल हॉलीडे पे चीटिंग कर लूं? मैडम, ये चीट करना चाहते हैं? मस्ती कर रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा डाइट चार्ट, इसे फॉलो करोगे? बहुत अच्छा। कल से डाइटिंग शुरू। ये सब किस लिए लाए हो? ये स्पर्म काउंट के लिए। क्या जर्म काउंट?
जर्म्स निकालने ना मुझे, तो आप इन सबको अच्छे से साफ करके काट के इन सबका ग्रीन कलर का जूस बना देना। मैं कल सुबह 6 बजे उठकर इसे पी लूंगा। जॉगिंग के 20 राउंड पूरे कर लिए। मैं 30 राउंड पूरे करके कॉल। हमें देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, फोन रखो। ये वॉच मेरे फोन से कनेक्टेड है, मैं तुम्हें ट्रैक कर सकती हूँ। ट्रैक कर सकती हूँ। अब तुम 20+30 राउंड्स कंटिन्यू करो। सिगरेट पियोगे तो बच्चे कैसे होंगे? मेरे पास पहले से बच्चे हैं। तो और नहीं होंगे। अच्छा जा। हेलो सिद्धू। हाय। मैंने खाना भेजा तुम्हें, मिल गया? घास फूस। ये क्या देख रहा है? भक्ति चैनल किस नंबर पर आता हूँ? हाय। अब तो होना ही चाहिए डॉक्टर, इंटरनेट डेटा बिल्कुल यूज नहीं किया। आई कैन सी दैट, गुड। अरे वाह। बट गुड इज नॉट गुड इनफ। हम ये 4 हफ्ते बात कर सकते हैं। क्या करना ही पड़ेगा? मेरा क्या? तुम कुछ नहीं कहोगे? नो नो नो। शर्म नहीं आती क्या? अरे चलना। ये बेवड़े। 6 हफ्ते बाद मिल, फिर बताता हूँ तुझे। पता क्या, जब ब्रेकअप होता है तो लड़का तो डिप्रेस हो जाता है और लड़की हॉट हो जाती है। नाचने की कसम खाइए क्या? जोक समझ आ रहा है क्या? जब ब्रेकअप होता है तो लड़कियां पार्टनर बदल देती है। रहने दे भाई, नीचे आ जा, बस बहुत हो गया, बहुत हुआ, आ जा। ओके या एनीवे, मत पका यार। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यार बोर करने के लिए, कॉमेडी आती नहीं है, पकाया जा रहा है। क्या हो गया रे तुझे? ऐसे मूड पर आ गया कि लोगों को हंसने के लिए कहना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो तेरा ब्रेकअप फेस था यार। ब्रेकअप तो पर्सनल था यार, लेकिन ये बहुत अलग है। ना तो वो प्यार करती है और ना ही शादी करेगी, ना कभी जिंदगी में मिलेगी, तो फिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूं यार? ना मैं उसे कुछ बता सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं बन नहीं सकता, और उसे खोना भी नहीं चाहता। बस कर, रुक जा। तुझे एडवाइजर की जरूरत नहीं, एडवाइजर की है। ए ब्रो। अरे नहीं यार, मुझे ड्रिंक और स्मोक करने से मना तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता। ए, किसी को भी इतना कंट्रोल करने मत दे, समझा ना? फिर चाहे वो डॉक्टर हो या फिर अन्विता हो, बी योरसेल्फ, बी अ मैन। अरे देना भाई हमको 2 बियर्स। ये ले पी। अन्विता जो कहेगी वो नहीं करूंगा। सही बोला। मैम, आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। हाँ मैं जानती हूँ, बस 15 मिनट मिल सकते हैं? थैंक यू। मैम सॉरी, बहुत देर हो चुकी है, मैं
समझ सकती हूँ। वेट करने के लिए थैंक्स। थैंक यू। आंटी सिद्धू, रात को बहुत लेट आया था बेटी, शायद सो रहा होगा। सिद्धू, सिद्धू। अनविता, पी थी ना? नहीं नहीं, सुबह से कुछ नहीं पिया, वो कल रात को थोड़ा। सिद्धू, डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे वो डॉक्टर तो अपना बिल बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, और तुम यहाँ बेवड़ों की तरह पड़े हो। ए बस। हाँ हूँ मैं बेवड़ा, क्या करोगी अब? हाँ हूँ मैं बेवड़ा, बोलो। तुम्हें तो बस अपने स्पर्म का ख्याल है ना, ये प्रोसेस का ख्याल है। आदमी की क्या फीलिंग्स है इससे कोई मतलब नहीं है क्या तुम्हें? तुमने प्यार के बारे में नहीं सुना है क्या? नहीं सुना, सुनना भी नहीं है। ना कोई फीलिंग्स है और ना होगी, तुम्हें शुरू से बताती आ रही हूं ना, लेकिन तुम्हें तो समझना ही नहीं है। तुम खुशी से साथ रहने वाले पेरेंट्स के बीच पले बड़े हो ना, इसलिए प्यार शादी तुम्हें अच्छे लगते हैं। मेरे पेरेंट्स ने तो 4 साल एक दूसरे से प्यार करके फिर शादी तो कर ली, लेकिन जब मैं 6 साल की थी तो वो अलग हो गए। उनका प्यार नफरत में कब बदल गया पता ही नहीं चला। मेरी परवरिश तो माँ की तकलीफों के बीच हुई है, इसलिए ये प्यार और शादी मेरे लिए डरावने सपने हैं। तुम्हारे लिए फैमिली का मतलब माँ बाप और ये घर है, मेरे लिए तो बस मेरी माँ थी, अब वो भी नहीं रही। अब या तो मुझे माँ बनना है या फिर मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूंगी। वैसे तो मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूं, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे एक डोनर चाहिए। ये सब तुम्हें अजीब लग सकता है सिद्धू, लेकिन मुझे यही जिंदगी चाहिए। ये 6 हफ्ते का वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। पता है मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं आज तक ये सोचती थी कि तुम अपनी खुशी से ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी सिद्धू। हेलो डॉक्टर। हेलो मैडम, लैब रिपोर्ट्स अच्छी हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आप कल सुबह क्लिनिक आ जाइए। ओके डॉक्टर, थैंक यू। सिद्धू। हे अनविता। अभी डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट्स ओके हैं, मैं बहुत खुश हूँ। कल फाइनल प्रोसीजर के लिए 11 बजे मिलते हैं। सिद्धू, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कल हमारी आखिरी मुलाकात होगी ना? अच्छा सुनो, मैं पहुंच जाऊं ठीक 11 बजे। थैंक यू सिद्धू, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक्चुअली थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है तुम्हारी हेल्प के आगे। हेल्प? अगर ये हेल्प होती ना तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ सिद्धू बोलो। जब कभी वो बच्चा बड़ा होकर ये पूछेगा कि मेरे फादर कौन है, तो ऐसा प्लीज मत कहना कि वो कोई स्पर्म डोनर था। ये कह देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। अपना ख्याल रखना। बाय।
हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशन अन्विता, तुम्हारे प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। ऑल द बेस्ट। शो के लिए गया है बेटी, कुछ बात है क्या? शो कहाँ है आंटी? अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मैं वही जाती हूँ। हाँ, दोस्त बने रहने में भी एक होप रहती है, पता नहीं कब बैटिंग करने लगेगा। लेकिन एकदम बिट तो चाहिए ना उसे, उसे बिल्कुल गुरु जैसी क्वालिटीज वाला बच्चा चाहिए ना, जो एकदम फनी हो, स्मार्ट, हैंडसम हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? Congratulations. तो मैंने उसे दिलवा दिया। सिद्धू को खुशखबरी देने के लिए आई हो क्या? सुनो, मुझे एक बात बताओ, सिद्धू को सिर्फ बताना चाहती हो या फिर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिद्धू को आपकी जाती जिंदगी पर कोई हक नहीं है, उसी तरह आपको भी उसकी जाती जिंदगी पर कोई हक नहीं है। मेरा मतलब, वो अपना काम कर रहा है, उसे फिर से तबाह मत करो प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। कांग्रेचुलेशंस अनवी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सूटकेस किस लिए? कहीं जा रही हो क्या? मैं यूके जा रही हूँ। तुम यूके जा रही हो? काव्या, मुझे वापस यूके जाना है, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दोगी? अनवी, आपको सबसे एडवाइस मिलने लग जाती है। हे ब्रो, छोड़ ना उसे, समंदर में और भी तो कितनी मछलियां हैं। लेकिन जाल बिछाने वाले मछुआरे कम है क्या? नकली सलाहकार। आप सभी मछुआरों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट यार। एक्सक्यूज मी दोस्त। या ऑटोग्राफ। हे डैड, आप यहाँ? ऑटोग्राफ नहीं दोगे क्या? आप शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, मैं ही हूँ। अरे दो ना। मेरे सबसे अच्छे डैडी, ये मैं तेरी माँ को दिखाऊंगा। अब तुम आ रहे हो ना? ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। पोस्टर में अच्छे दिखते हो। थैंक्स। क्या हुआ, आज तुमने मुझ पर एक भी जोक नहीं मारा? चले क्या? और बताओ। कुछ नहीं, सब नॉर्मल है डैड। सुबह 6 बजे उठ जाना तो नॉर्मल है, लेकिन 6 बजने का इंतजार करना नॉर्मल नहीं है। अब तुम वक्त की कीमत अच्छी तरह से समझ रहे हो, सुबह जॉगिंग से लेकर रात के डिनर तक। पता है मुझे कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि तुम अन्विता को भूले नहीं हो, उसकी यादों से जुड़े हुए हो। अन्विता को तुम कभी भुला ना पाओ, शायद इसीलिए ये काम तुम कर रहे हो। अग्रीमेंट के हिसाब से मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता ना, क्या करूं आप ही बताओ। जिस तरह का इंसान वो चाहती थी, जिसे वो अपने बच्चे का बाप बनाना चाहती थी, ऐसे लोगों में उसने तुम्हें चुना। एक तरीके से उसने अपनी पसंद को ही चुना था। लेकिन क्या करूं, उस लड़की को प्यार और शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है डैड। अब अगर उसको प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो वो मां ही नहीं बनना चाहती, बस वो बाहर से मिलने वाले प्यार पर भरोसा करने से डरती है, इसीलिए उसे खुद के पैदा किए प्यार पर भरोसा है। लेकिन ये तूने क्या किया?
तूने उससे कहा कि तू उसे चाहता है? हर हाल में साथ दूंगा, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। तू क्यों नहीं बोला? सिर्फ कहना ही नहीं होता बेटे, विश्वास जीतने के लिए फाइट करना पड़ता है। मैं सिद्धू। हेलो, मैं अन्विता से मिलने आया हूं। सिद्धू? हाँ। अन्विता यहां आई थी लेकिन अब वो जा चुकी है। डीके, मुझे यहां से कहीं बहुत दूर जाना है। क्या हुआ? काम में ध्यान नहीं लग रहा, मैं अब यहां नहीं रह सकती। मैं ये वक्त सुकून से बिताना चाहती हूँ। अब ऐसे वक्त में कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे अंदर बदलाव देख रहा हूं। जब से तुम वापस लौट कर आई हो कुछ बदल गया है। अपनी तकलीफ का हल ढूंढो मेरी बच्ची, नहीं तो कहीं भी मन नहीं लगेगा। उसके बाद उसने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसने मुझे यह भी नहीं बताया कि वो कहां जाएगी। बस वो बाहर से मिलने वाले प्यार पर भरोसा करने से डरती है, इसीलिए उसे बस खुद के पैदा किए प्यार पर भरोसा है। लेकिन तूने ये क्या किया बेटा? तूने उससे कहा कि तू उसे चाहता है? अगर यूके के हर शहर में स्टैंड अप किया जाए तो उससे क्या होगा? शो का पता लगते ही वो मिलने जरूर आएगी। अरे भाई तेरा दिमाग ठीक है ना? यार राहुल, जब वो मुझसे मिलने आई थी तब तुझे उसे रोकना नहीं चाहिए था। अब मुझे रोकने की गलती मत कर प्लीज। ओके सिद्धू, आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आई फाइंड यू अनबता, आई फाइंड यू। कहाँ हो तुम अनबता? ये शब्द सच में जीनियस है। इस तरह के सेशन से मुझे बहुत राहत मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वाह बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। अब तुम्हारी बारी चारू। मुझे इन सेशंस की वजह से बहुत सुकून मिला है, मैं अपने बच्चे से जुड़ने लगी हूँ। अनविता अब तुम्हारी बारी है। खुद का तू पता, तेरे साथ में तू नहीं है, क्यों है तू लापता, बेवजह क्यों दूर तू है, कर खुद का पता। दिल को जरा टटोल ले, ये तड़पाए क्यों ऐसे, तेरे यहाँ दोनों जहाँ बेचैन ना। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन आज उसकी प्रेगनेंसी का 250th डे है। ए, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे ब्लैंकेट मिलेगी क्या? So cute.
अनोखा एहसास होता है नमा, जिंदगी भर में बस इसी एहसास को समझ पाई। एक माँ और उसके बच्चे का गहरा रिश्ता। मैं बिना शादी के ही चाहती थी कि जिसमें मेरे पसंद की सभी खूबियां हो वो मेरा डोनर बने। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। उस फीलिंग से बचना चाहती थी इसलिए मैं इतनी दूर यहाँ तक चली आई। लेकिन मैं जितना दूर जाती रही वो उतना पास आता रहा। मैंने उससे दूर होने की लाख कोशिश की माँ, इस बच्चे के साथ साथ सिद्धू के लिए भी मेरे मन में प्यार पनप रहा है। मुझे लगता था कि किसी के साथ रहना ही साथ होता है, लेकिन मैं अब समझी साथ न रहकर भी साथ महसूस करना क्या होता है। वो अब मेरी सांसों में बस चुका है। मुझे लगता है मैं सच में पागल थी। जो प्यार क्या होता है समझ ही नहीं पाई। और आज जब मुझे प्यार का एहसास हुआ तब वो मुझसे दूर जा चुका है। ये एहसास अब मेरे अंदर पल रहा है माँ, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये हमारे प्यार की निशानी है। मैं अब समझी माँ कि मुझ जैसे बेवकूफ को भी प्यार हो सकता है। ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है हमने पूरी कोशिश की और आज तुम्हारा लास्ट शो है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो अब क्या? ए, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ सर? फेमस बैंगन पकोड़ा, ये तुम कहां से लेकर आए? पास के कैफे से। पास में ही है ना कैफे? हाँ। Oh God, मुझे जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। विजिटर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। आई नो बट सर प्लीज, देखो ये इमरजेंसी है, प्लीज। क्या है? सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए सर। देखो मैं उसे पूरी कंट्री में ढूंढकर यहाँ पहुँचा हूँ। जस्ट टू मिनट्स या प्लीज, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सिर्फ उनके पार्टनर को ही उनके साथ लेबर रूम में जाना अलाउड है। बता सकते हैं आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं उसे जानता हूँ। क्या आप उनके हस्बैंड हैं? नहीं। क्या आप उनके बॉयफ्रेंड हैं? नो बट सर बात समझिए, आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। मैं हस्बैंड तो हूँ लेकिन प्लीज सर बात समझिए। ही इज द फादर ऑफ द चाइल्ड।
कभी साथ सोए नहीं, कभी एक दूसरे को किस भी नहीं किया, लेकिन हमने एक बच्चे को जन्म दिया। अनविता की तलाश में यूके में घूमते हुए जब वो आखिरकार मुझे मिली, तो जानते हो मेरे मन में क्या ख्याल आया? एक इंस्टाग्राम अकाउंट तो बनाना चाहिए था ना अनविता। पूरे यूके के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर थक गया मैं। इस शो को मैं अब तक 77 टाइम्स कर चुका हूं। आज ये मेरा 78th शो है, लेकिन आज एक फर्क है, अब हम शादीशुदा हैं। अनविता को शादी पर आज भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा है। तो बेसिकली अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये लव स्टोरी है? ना ना ना, उसके लिए तो ये स्पर्म की खोज थी, और मेरे लिए तो ये सबसे एंटी सोशल वायलेंट फिक्शनल एक्शन थ्रिलर कॉमेडी और साथ में थोड़ा सा रोमांस। मेरे डायपर बदलने का टाइम हो गया है, तो मुझे जाना होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट वाज माय सेट, दैट वाज माय टाइम। मिस शेट्टी और मिस्टर पॉली शेट्टी, देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट गाइस।